कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। दोस्तों नमस्कार, मैंने दोस्तों आज फिर एक बार आपसे मुलाकात की और मैंने लिख दिया ग्रेट मॉर्निंग। दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल डिसीजंस। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम शुरू करेंगे और आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से अगर हम देखें, एग्जामिनेशन में देखें और रियल लाइफ में देखें तो ये टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं इस टॉपिक में काफ़ी सारे पार्ट्स को कवर करूँगा। तो फाइनेंशियल डिसीजंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में मान लीजिएगा और पांच में से चार स्टार्स देना चाहूंगा इस टॉपिक में। पांच में से चार स्टार्स इस टॉपिक को दूंगा क्योंकि ये टॉपिक फाइनेंशियल डिसीजंस ही बड़ा ही प्रीशियस और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो 15-18 मार्क्स 100 में से जून दिसंबर में आता ही रहता है दोस्तों। तो इन बातों के साथ अगर आप ध्यान से बैठेंगे तो यकीन मानिए आपको ज्यादा समझ आएगा। ये जो क्लास है आज हमारा लेक्चर नंबर इसके ऊपर 1A है, लगभग 1.5 आवर से लेकर 2 आवर्स तक की ये क्लास रहेगी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने ये 2 घंटे मेरी क्लास को ध्यान से सुन लिया, फाइनेंशियल डिसीजंस आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप जैसे पानी और दूध अगर हम मिक्स करके दे दें हंस को तो वो हंस जो है उन दोनों पानी में पानी पानी की जगह दूध दूध पी जाएगा और पानी वहीं पे रहेगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं एक बार ये चाहता हूँ कि आप सभी अपना रजिस्टर खोल लें, सभी रजिस्टर निकालें, टॉपिक का नाम लिखें, ईमानदारी से बैठें और सभी बातों को ध्यान से सुनें और उसके बाद सभी बातों को ध्यान से जो जो मैं जैसे जैसे कहूँ वैसा वैसा करें, ठीक है जी। तो मैं आप सबको चाहता हूँ कि आप सबके पेपर्स में पास आने वाले हैं तो एक कोटेशन लिखना चाहूंगा, मोस्ट ऑफ द पीपल नेवर प्लान टू फेल। बहुत ही अच्छी सही है, बट दे फेल टू प्लान। क्या बढ़िया सी बात इस कोटेशन में लिखी हुई है। अगर आप ध्यान से देखें तो लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द पीपल नेवर प्लान टू फेल। बहुत सारे लोग प्लान ही नहीं करते क्योंकि उनको पता है फेल हो जाते हैं, बट दे फेल टू प्लान। और वो प्लान एक बारी भी नहीं करते। मान लेते हैं इसमें 100 लोगों ने प्लान किया, 90 फेल हो गए, कोई बात नहीं, 10 तो पास हो गए। लेकिन अगर 100 में से 100 ने प्लान ही नहीं किया तो सारे फेल हो गए। इस कोटेशन को अगर आप गहराई से देखें तो ये कोटेशन अपने में बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए लाइफ में चेंज प्ले कर सकती है। तो इन्हीं बातों के साथ आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप कुछ बातों को समझ लें जो मैं कहना चाहता हूं। मैंने अपनी इंट्रोडक्शन की क्लास में एक बात ये रखी है आपके सामने कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम सब्जेक्ट कर रहे हैं, ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का घड़ा है, बेसिकली इसमें 3 क्वेश्चंस का हम आंसर करते हैं और इसी के लिए 3 डिसीजंस हैं और हम धीरे धीरे आगे चलते हैं। फर्स्ट पहला क्वेश्चन ये है what is/how much is। पहला क्वेश्चन है कितना और क्यों, रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, व्हाट इज एंड हाउ मच इज रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, फंड्स क्यों चाहिए और कितने चाहिए। पहला सवाल तो ये। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम वेयर फंड्स कैन बी प्रोक्योर्ड, फंड्स कहां से प्रोक्योर कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम फंड्स कहां से प्रोक्योर कर सकते हैं, जो आज का मुख्य हमारा टॉपिक है वो इसी के ऊपर है। और तीसरा क्वेश्चन है whether to pay
डिविडेंड और नॉट, क्या हम डिविडेंड दें या ना दें। तो इन्हीं बातों के साथ आज हम एक नया कंसेप्ट शुरू करेंगे। ये जो क्वेश्चन है इसके लिए हम एक डिसीजन लेते हैं जिसका नाम है जी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करने के लिए हम एक डिसीजन लेते हैं जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्वेश्चन नंबर टू का आंसर करने के लिए हम एक डिसीजन लेते हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन। और क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर करने के लिए हम एक डिसीजन लेते हैं जिसका नाम है डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। तो तीन तरह के डिसीजन हम करेंगे आज के टॉपिक में। आज के चैप्टर में हम जो डिसीजन करने वाले हैं उसका नाम है फाइनेंशियल, फाइनेंशियल डिसीजन। तो आप सभी एक बार ईमानदारी से लिख दें फाइनेंशियल डिसीजन। बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक। इस टॉपिक में हम कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे सबसे पहली बात जो मैं कवर करूंगा इस टॉपिक में उसका नाम है सोर्सेस ऑफ फंड्स, फंड्स के कितने सोर्सेस होते हैं। दूसरा टॉपिक जो मैं इसमें करने वाला हूं उसका नाम है ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स। ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स क्या होता है, जैसे आपने 12th क्लास में एक रेशियो पढ़ी है डेट इक्विटी रेशियो, तो ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स एक दूसरा कंसेप्ट है जो हमने डिस्कस करना है। तीसरी बात जो मैं यहां पे कराऊंगा वो नाम होगा इंडिफरेंस पॉइंट, इंडिफरेंस पॉइंट, इंडिफरेंस पॉइंट, इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी, इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी। फोर्थ पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो दोस्तों लिवरेजेस के ऊपर होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिवरेज, लिवरेज। ऐसे हम पांच छह छोटे छोटे बड़े बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने वाले हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लास्ट में हम करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। तो दोस्तों ये तीन, ये जो टॉपिक है इसमें जो मैंने कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं अगर आप अपना पेज ओपन कर लें तो टोटल दोस्तों 44 कॉन्सेप्ट्स मेंशन किए हैं। एक बार मैं चाहता हूं कि आप सभी वो कंसेप्ट वाला पेज निकाल लें, मैं आपके सामने खोल रहा हूं, आप देखिए कि आपका ये पेज खुल गया है। ये देखिए मैंने इसका फॉन्ट बड़ा कर दिया है, ये आपके सामने फाइनेंशियल डिसीजंस है और ये इसमें मैंने आपके लिए अलग अलग तरह के कंसेप्ट लिखे हैं। आप जरा देखिए कि गौर फरमाइए। पहला कंसेप्ट जो है मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग और इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन क्या होती है, उसका मीनिंग क्या है, हम ये चैप्टर कर ही क्यों रहे हैं। मैंने खाली आपको क्वेश्चंस नहीं कराने, आपको थ्योरी के साथ लॉजिक बताना है। व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। कंसेप्ट नंबर टू, व्हाट आर द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ डेट, डिवेंचर्स के, प्रेफरेंस शेयर्स के, इक्विटी शेयर्स के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा, आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको डेट ज्यादा लेना चाहिए या इक्विटी ज्यादा लेनी चाहिए, क्योंकि डेट और इक्विटी का मिक्सचर ही देखना है। अभी हम उस बातों में आ रहे हैं। कंसेप्ट नंबर पांच अगर आप देखें, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, मेरा प्यारा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम होना चाहिए और डेट इक्विटी मिक्स के बाद। कंसेप्ट सिक्स मैंने लिखा है थ्री स्टेप्स फॉर डिजाइनिंग एन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। हम कैपिटल स्ट्रक्चर जो डिजाइन करेंगे, हम जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे उसके तीन स्टेप्स हम फॉलो करने वाले हैं। वी विल फॉलो थ्री स्टेप्स फॉर डिजाइनिंग एन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। कंसेप्ट सेवंथ, फॉर्मेट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर डिफरेंट प्रपोजल्स, वो हम देखेंगे, और फॉर्मेट ऑफ कैलकुलेटिंग एमपीएस। आज कुल मिलाकर हम नौ कंसेप्ट्स को कर ही डालेंगे दोस्तों। आज हमारा पहला लेक्चर है, लेक्चर वन है, टोटल इसमें चार से पांच लेक्चर्स लगेंगे, 44 कंसेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे। और आप देखिए टोटल कंसेप्ट आपके पास हैं और मैं आपको दिखा भी रहा हूँ 44 कंसेप्ट्स। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एक लास्ट कंसेप्ट है, इसमें हम कुछ पीपीटीज देखेंगे, हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे, कुछ बातें सीखेंगे, कभी कभी खुशी कभी गम, और ये लाइफ में ये चैप्टर हम अपनी लाइफ में बसा लेंगे। तो आइए दोस्तों थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा मैजिक हम करें
क्योंकि हमें पता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ए आर्ट एज वेल एज साइंस। थ्योरी में बहुत बार आता है व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वेदर इट इज आर्ट और वेदर इट इज साइंस। तो मैं कहता हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बोथ, दोनों है, आर्ट भी और साइंस भी। इन्हीं बातों के साथ मैं चाहता हूं कि आप एक बार थ्योरी के क्वेश्चंस भी अगर आप निकाल लें तो देखेंगे थ्योरी में मैंने बड़े ही अच्छे इस बार क्वेश्चंस दिए हैं, मैंने काफी अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स एंड मेजर कंसिडरेशंस इन डिजाइनिंग ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स। CW में आ चुका, CA में आ गया, CA PCC में है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स एंड मेजर कंसिडरेशंस इन डिजाइनिंग ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स। तो पहले क्वेश्चन का आंसर भी लिखा हुआ है, वो देखेंगे हम पहला क्वेश्चन के बाद। दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखें तो डिस्कस द मेजर कंसिडरेशन इन कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग। जब आप किसी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर प्लान करते हो तो कौन सी कंसिडरेशन है, ये सारी बातें बाद की हैं, हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आज जो मैं अभी शुरू करने वाला हूँ उसमें मैं लिखना चाहूंगा दोबारा से क्या लिखूं दोस्तों, मैं लिखूंगा फाइनेंशियल डिसीजंस। अभी इस टॉपिक में हम कुछ कंसेप्ट भी लिखेंगे तो मैं चाहता हूं कि पहले फर्स्ट कंसेप्ट आप थोड़ा सा लिख लें और फिर मैं आगे शुरू करूं। तो कंसेप्ट नंबर 1 इंट्रोडक्शन का आप लिख लें, फिर मैं स्टार्ट करूंगा दोस्तों कहानी किस्मत की। कहानी किस्मत की ये देखिए दोस्तों कितनी मेहनत की है दोस्तों, पीपीटीज अलग बनाई है, कंसेप्ट वाले अलग बनाए हैं और आपको उसके हिसाब से बुक में दिया है। तो मैं इन सभी बातों के साथ पहले तो कंसेप्ट नंबर 1 इंट्रोडक्शन शुरू करूंगा। जैसे मैंने बताया आज लेक्चर नंबर 1 है, आज अगर आपने ध्यान से बात को सुन लिया तो यकीन मानिए आपको ज्यादा समझ आएगा। कंसेप्ट 2 पॉजिटिव एंड नेगेटिव करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स के, डिबेंचर्स के, इक्विटी के, मैं एक ही कंसेप्ट लूंगा उसी में सेकंड थर्ड फोर्थ करा दूंगा। कंसेप्ट नंबर 5 में ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं, फिर 3 स्टेप्स कौन से होंगे, फिर हम फॉर्मेट क्या फॉलो करेंगे, ईपीएस कैसे निकालेंगे, एमपीएस कैसे निकालेंगे और लास्ट में कंसेप्ट करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जबकि मैं सारे क्वेश्चंस तो नहीं कर पाऊंगा लेकिन मैं पहले आज की क्लास में एक क्वेश्चन तो जरूर करूंगा। और आइए जी हम शुरू करेंगे कंसेप्ट नंबर 1, आप सभी लिखना शुरू करें इंट्रोडक्शन। फाइनेंशियल डिसीजंस चैप्टर का नाम आप लिख चुके हैं, आप इंट्रोडक्शन लिखिए। एक बच्चा कहता है सर आप ही लिखवा दीजिए, कोई बात ही नहीं बेटे मैं लिखवा दूंगा, उसमें क्या है प्यार है बेटे, ये तो आपने इतने प्यार से बोला है मेरे को तो मेरे को नहीं अच्छा लगेगा, मैं बिल्कुल लिखवाऊंगा। आप चलिए लिखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बेटे ये कंसेप्ट नंबर 1 लिख रहे हैं मेरे बेटे, कंसेप्ट नंबर 1 लिख रहे हैं बेटे, इसमें हेडिंग लिख रहे हैं बेटे इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस। बेटे इस कंसेप्ट का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटे ए पॉइंट में लिख रहा हूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्राइजेस ऑफ following 3 decisions। financial management में 3 तरह की decisions होती हैं जो हमें मालूम ही है। पहले decision का नाम है investment decisions। प्यार से मेरे बेटे प्यार से लिखना है, सबने लिखना है, कसम होगी ना लिखा तो।
फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमें ये बताती है व्हाट इज स्लैश हाउ मच इज, दो बातों का हम आंसर करेंगे, व्हाट इज एंड हाउ मच इज रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, पैसे कितने चाहिए और क्यों चाहिए। दूसरी डिसीजन हम जो लिखेंगे उसका नाम है फाइनेंशियल डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजंस, फ्रॉम वेयर फंड्स कैन बी प्रोक्योर्ड, हम फंड्स को कहां से प्रोक्योर कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा डिविडेंड डिसीजंस, इसमें हम एक बात का आंसर करेंगे whether to pay डिविडेंड और नॉट, हमें डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों हम कंसेप्ट नंबर 1 लिख रहे हैं, आप सब लिखे मेरे साथ साथ, मैंने क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट थी कि मैं लिखूं इसलिए मैं लिख रहा हूं। कंसेप्ट नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तीन तरह के डिसीजंस होती हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजंस। ठीक है जी, आगे लिखें। There are two sources of funds. Funds के दो sources होते हैं दोस्तों, तो मैंने लिखा B point में there are two sources of funds. Funds के दो sources हैं, there are two sources of funds. One is owner's capital, घर के पैसे, owner's fund, घर के पैसे, घर वाली, ऐसे हम कहते हैं जी घर वाली। और दूसरा होता है जी borrower's fund, बाहर वाली। आप बताइए, आपने आपको ये देखना है कि हम टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी लगाएं, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में हम पहले चीज तो ये डिस्कस करेंगे कि वो पैसे जो हमें चाहिए कितने चाहिए और क्यों चाहिए। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन में कवर हो गया, कितने चाहिए और क्यों चाहिए, ये पहला क्वेश्चन है, कितने और क्यों, व्हाट एंड हाउ मच। दूसरा क्वेश्चन है कहां से आएंगे, वो पैसे आएंगे कहां से। तो मैं अभी पहली बात ये कह रहा हूं कि आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को देखें, कोई भी कंपनी, मैं बैलेंस शीट्स भी दिखाऊंगा आपको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बताने वाला हूं, वेबसाइट खोलूंगा moneycontrol.com और बड़ी सारी बातें बताऊंगा आपको। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को देखें वो आपको दो सोर्सेज ही दिखेंगे इस दुनिया में, चाहे वो अमेरिकन कंपनी है, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन है, इंडियन है, पाकिस्तानी है, नेपाली कंपनी है। देर आर ओनली टू सोर्सेज ऑफ फंड जो बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो सोर्सेज होते हैं आपके अपने पैसे और जो आपने बाजार से बोरो किए, बाहर के, घर के बाहर के मिलाकर जो पैसे आते हैं हम उसको कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। और उसका दोस्तों एक नाम है इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट इतनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड और इन्वेस्टमेंट। It can be divided into two parts, owner's fund and borrower's fund. तो दोस्तों आप जिसको आज तक इक्विटी कहते आए हैं, इक्विटी कह दीजिए, शेयर होल्डर्स फंड कह दीजिए, प्रोप्राइटर्स फंड कह दीजिए, बात एक ही है, अपने घर के पैसे। बोरोवर्स फंड को अगर आप देखें तो मैं कहता हूं इसका नाम, वैसे बोरोवर फंड का नाम डेट भी डल सकता है, डेट मतलब उधार के पैसे, बाहर वाले पैसे, उधार के।
तो बी पॉइंट लिख लिया गया सभी ने। फाइनेंशियल डिसीजन में हम आज सबसे पहले ये डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ मेनी सोर्सेस ऑफ फंड्स आर देयर। इंफोसिस की बैलेंस शीट देखें, L&T की देखें, ITC की देखें। आज मैं बैलेंस शीट दिखाऊंगा और उनकी कैपिटल स्ट्रक्चर्स को दिखाऊंगा, डेट इक्विटी मिक्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल कर रहा हूं। आप प्रोफेशनल लेवल में आ रहे हैं, मुझे इतना बता दीजिए कि किसी भी कंपनी के को अगर पैसे चाहिए हो तो क्या क्या सोर्सेज हैं, वो कहां कहां से वो पैसे ले सकता है। तो सवाल आता है कि वो दो ही सोर्सेज ले सकता है, एक ओनर्स के और एक बोरोर्स के। ओनर्स एंड बोरोर्स उन दोनों को मिला रहे हैं तो टोटल पैसे आते हैं। ओनर्स फंड के नीचे आप पैसे लिख चुके हैं, मैं चाहता हूं कि ओनर्स फंड के नीचे आप कुछ उसके टूल्स भी लिख दीजिए, और बोरोअर्स फंड के नीचे भी उसके टूल्स लिख दीजिए। ओनर्स फंड के नीचे भी टूल्स लिखिए और बोरोअर्स फंड के नीचे भी उसके टूल्स लिखिए। मैं फिर रिपीट करता हूं, टोटल सोर्सेज ऑफ फंड, जैसे गंगा जी गंगोत्री से आती हैं, यमुना जी यमुनोत्री से आती हैं, तो सोर्स उद्गम स्थान क्या है गंगा जी का गंगोत्री, और यमुना जी का उद्गम स्थान क्या है यमुनोत्री। मैंने कहा इसी तरह से ओनर्स फंड और बोरोअर्स फंड दो उद्गम स्थान हैं और इनके नीचे अलग अलग टूल्स हैं। जैसे मैं कहता हूं इक्विटी शेयर्स इज अ टूल ऑफ ओनर्स फंड, प्रेफरेंस शेयर इज अ टूल ऑफ ओनर्स फंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस इज अ टूल ऑफ ओनर्स फंड। इसी तरह से मैं बात करूं GDRs की या ADRs की, इट इज अ टूल ऑफ ओनर्स फंड। तो ओनर्स फंड में चार तरह के हमारे टूल्स होते हैं, एक इक्विटी शेयर्स, दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स, तीसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस, फोर्थ GDR। बोरोअर फंड में देखें तो मैं लिखूंगा जी सबसे पहले डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, लोन और फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, और फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। आइए, मैंने चार लिखे हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब मुझे कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, जैसे रतन टाटा को नई गाड़ियां जैसे नैनो बनानी है, तो नैनो बनाने के लिए उनको लैंड की, बिल्डिंग की, मशीनरी की, लेबर की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा 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 करती है, तू पैसा ले ले, हो जा तू मेरी। मैं आज आपको क्लास के आखिरी में दो वीडियो दिखाऊंगा और पैसे की इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि सच में पैसा लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, और आप तो इस लाइन में जाने वाले हैं, फाइनेंस की लाइन में हैं, तो पैसे आएंगे कहाँ से। मैंने कहा जी पैसे दो जगह से ही आ सकते हैं, एक ओनर्स फंड से दो सोर्सेज हैं और एक बोरोअर्स फंड से। ओनर्स फंड से जो सोर्सेज हैं, इसके अगेंस्ट हम जो भी कुछ पे करते हैं उसका नाम है डिविडेंड। और बोरोअर्स फंड के अगेंस्ट हम जो भी पे करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। तो दो सोर्सेज मैंने लिख दिए, डिविडेंड हम देते हैं ओनर्स फंड के अगेंस्ट, और इंटरेस्ट देते हैं बोरोअर्स फंड को। मुझे अब यही देखना है इस पूरे चैप्टर में कि अगर मैं अपने, मेरे को सपोज करता हूं मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, सपोज कर रहा हूं एक कंपनी को 10 लाख रुपीज की रिक्वायरमेंट है, सवाल यह आ रहा है कि ये 10 लाख रुपए कहां से ले, कितने पैसे कहां से ले, क्या 100% डेट से रेज कर ले। अगर मैं कहता हूं 100% डेट से ले ले तो 0% इक्विटी आ गया, और क्या 0% डेट हो, अगर मैं जैसे ही बोलता हूं 0% डेट तो 100% इक्विटी आ गया, और क्या 50-50 होना चाहिए, 50% डेट और 50% इक्विटी, क्या 30 डेट 70 इक्विटी, मुझे नहीं पता कितना मिक्सचर होना चाहिए। आपने कभी च्यवनप्राश खाया हो, ऋषि चवन हुआ करते थे जमाने में, ऋषि चवन ने च्यवनप्राश बनाया दोस्तों। च्यवनप्राश आजकल डाबर वाले अलग बना रहे हैं, हीरा डाबर वाले अलग बना रहे हैं, हम दर्द वाले भी च्यवनप्राश बना रहे हैं, रामदेव जी भी च्यवनप्राश बना रहे हैं। इसका मतलब बड़ी सारी कंपनीज च्यवनप्राश प्रिपेयर कर रही हैं।
अब च्यवन प्राश में च्यवन तो सबका सेम है, लेकिन एक बात मैं बता दूं, अंदर का जो प्राश है उसमें मिक्सचर है, अलग अलग मिक्सचर है, किसी में कुछ ज्यादा किसी में कुछ ज्यादा है। मतलब च्यवन प्राश अगर आपने कभी खाया हो तो च्यवन प्राश में बादाम, चीनी, चांदी, सोना, काली मिर्च वगैरह वगैरह अलग 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 तरह की चीजें पड़ी होती हैं। तो अगर आप रेशो चेंज कर दें, अगर आप रेशो चेंज कर दें तो वो च्यवनप्राश अलग अलग तरह का बन जाएगा। तो डाबर वालों ने जो रेशो करी हुई है उसका पेटेंट करा लिया, हमदर्द वालों ने अलग से पेटेंट करा लिया है। इसका मतलब उन्होंने क्या किया, च्यवनप्राश बनाते समय डेट इक्विटी मिक्स का ध्यान रखा। डेट इक्विटी मिक्स उसमें जो कॉम्पोनेंट्स हैं, उसके जो कॉम्पोनेंट्स हैं, उसके च्यवनप्राश के जो कॉम्पोनेंट्स हैं उसको ध्यान में रखा। और टोटल तो सभी का 100% ही है, लेकिन किसी ने कुछ कंपोनेंट ज्यादा कर दिया, किसी ने कम कर दिया, किसी ने ज्यादा कर दिया, किसी ने कम कर दिया। अल्टीमेटली ज्यादा कम के चक्कर में अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका टेस्ट चेंज हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से आप एक फाइनेंस मैनेजर हैं, एक कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हैं, आपको आने वाले दिनों में फाइनेंस मैनेजर बनना है। एक बच्चे ने तो मुंह छोटा कर लिया, वो कहता मास्टर झूठ बोल रहा है, मैं फाइनेंस मैनेजर बन ही नहीं सकता। भगवान कहता है तथास्तु। देखिए जी एक बात मैं बता दूं, आप लाइफ में जब नेगेटिव सोचेंगे तो भगवान कहेगा तथास्तु, पॉजिटिव सोचेंगे तब भी भगवान कहेगा तथास्तु। अब होता क्या है कि जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो उसमें आपका बिलीफ ज्यादा होता है कि ये हो ही जाएगा, इसलिए वो चीज हो जाती है। तो आप अगर हमेशा पॉजिटिव सोचें विद बिलीफ, बिलीफ के साथ, विश्वास के साथ, तो अल्टीमेटली फिर वैसा ही होना शुरू होता है। बेटे आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि आप कितनी बड़ी कंपनी के एमएनसी के कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे, सोचिए ना बेटे। अपने ऊपर विश्वास नहीं है बेटे, मुझे तो आप में विश्वास है कि और 5-6 महीने के अंदर आप जब मार्केट में आएंगे तो आप बड़े बड़े कंपनी के फाइनेंस मैनेजर बनेंगे, फिर धीरे धीरे प्रमोशन होगी और अच्छे लेवल पे चले जाएंगे। तो आप ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप नहीं बनेंगे? नहीं बेटे, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि जब आप किसी कंपनी के फाइनेंस मैनेजर बनेंगे तो आपकी कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा वो आपसे जरूर कहेगा कि हमें 10 करोड़ रुपीस की रिक्वायरमेंट है। सपोज करते हैं आप रिलायंस के यहाँ पर, रिलायंस इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी, नीता अंबानी के यहाँ पर आप एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए फाइनेंस मैनेजर वर्क कर रहे हैं और इन्होंने आपको एक वर्क दिया है, दे वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। आपको पता है मुकेश अंबानी नए नए प्रोजेक्ट शुरू करता ही रहता है और उसमें 10 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है, उस नए प्रोजेक्ट में 10 करोड़ रुपए चाहिए। तो आपको एक प्रेजेंटेशन देनी है बोर्ड मीटिंग में और उस प्रेजेंटेशन में आपको ये बताना है कि कितने पैसे उधार में ले। ये बच्चा कहता है हिंदी नहीं आती है। नहीं आती बेटे कोई बात नहीं, मैं आती है लेकिन बहुत दिनों से लिखा नहीं बेटे हिंदी में। कितने पैसे अपने लगाएं, ये दो बातें मैं कह रहा हूं, कितने पैसे उधार लें और कितने पैसे अपने लगाएं। अगर आपने ये दो बातों का ध्यान रख लिया यकीन मानिए आप वहां पे प्रेजेंटेशन अच्छी दे पाएंगे, क्योंकि दो ही सोर्सेज होते हैं, वन इज डेट एंड सेकेंड इज इक्विटी। आप चाय सब बनाते हैं, आप चाय पीते भी हैं, मुझे एक चीज बताइए, आप कहीं से भी चाय पियेंगे तो उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कभी सोचा आपने कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स में पानी होता है, दूध होता है, अदरक होता है, चीनी होती है, चाय की पत्ती होती है, छोटी इलायची होती है। मान रहा हूं कि आप सब ये सब डाल रहे हैं, छोटी इलायची होती है, दालचीनी होती है, ये सब कुछ होता है दोस्तों। मैं ये सब कुछ दो व्यक्तियों को दे दूं, एक रामलाल और एक दूसरा श्यामलाल, यकीन मानिए इन दोनों की चाय के टेस्ट में डिफरेंस होगा। क्यों क्यों चाय के टेस्ट में डिफरेंस होगा बेटे? एक ही बात है, क्योंकि ये जितना पानी डालेंगे, जितना दूध डालेंगे, जितनी छोटी इलायची डालेंगे, उसके मिक्सचर में अंतर होगा। अच्छा, जब मिक्सचर में अंतर होगा तो स्वाद भी तो अलग ही होगा मेरे बेटे। बिल्कुल उसी तरह से 10 करोड़ रुपए जो नीता और मुकेश अंबानी को चाहिए, आप उसमें
अलग अलग तरह के मिक्सचर से पैसे उठा सकते हैं, लेकिन बेटे हर चीज का अलग प्लस और अलग माइनस है। जैसे आप सब बच्चे एक बार, मैं चाहता हूं कि कंसेप्ट नंबर टू लिखें, यहां पे हेडिंग लिखें कंसेप्ट नंबर टू, थ्री एंड फोर। बेटे मैं एक साथ ही तीनों कंसेप्ट बता रहा हूं, कंसेप्ट टू, कंसेप्ट थ्री, कंसेप्ट फोर। बेटे यहां पे मैं लिख रहा हूं फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजंस। बेटे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं, तो मैं यहां लिख रहा हूं फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजंस। फाइनेंशियल डिसीजंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, या ऐसा समझ लीजिए, ऐसा समझ लीजिए कि डेट इक्विटी मिक्स को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। ये वैसे मैंने अपनी थ्योरी में लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं कंसेप्ट टू थ्री फोर में एक बार आप लिखें। यहां लिखें पॉजिटिव्स, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ ऑफ डेट स्लैश इक्विटी। इक्विटी के और डेट के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स आप लिख रहे हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट आर द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। मुझे बताइए, जब आपने 12th क्लास के बाद सीएस ज्वाइन किया तो आपके पास सीए की ऑप्शन भी थी, आप सीएमए भी कर सकते थे, आप कुछ और भी बीबीए वगैरह भी कर सकते थे, लेकिन आप सबने सीएस ज्वाइन किया। तो मैं क्या पूछ सकता हूं कि ऐसी कौन सी बातें थी, ऐसी कौन सी बातें थी जिसने आपको प्रेरित कर दिया कि आपको सीएस ही करना पड़ा। एक बच्चा कह रहा है मेरे दोस्त जा रहे थे, उसके साथ मैं जा रहा था, उसने किया इसलिए मैंने कर दिया, थप्पड़ मारूंगा बेटे कान पे। हो सकता है ऐसा, लेकिन ये फैक्टर्स तो ना हुए। आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी बातों को आपने सोचा था बिफोर टेकिंग अ सीएस डिसीजन, क्योंकि ये डिसीजन आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है बेटे, इस बात को भूलना मत। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि जब आप छोटी छोटी चीजों के लिए बड़े सारे डिसीजन लेते हैं, जैसे सीएस में आपने जब डिसीजन लिया तो आपने दिमाग में पता क्या सोचा, इसमें थ्योरी ज्यादा है, इसमें लॉ है, इसमें प्रैक्टिकल कम है, ट्रेनिंग बाद में करनी पड़ेगी, आजकल वैल्यू बहुत अच्छी है, ऐसी अजीब अजीब सी बातें आपने सोची और आपने ये डिसीजन ले लिया कि आप सीएस करेंगे, और आज उन दो पड़ाव को पार भी करके आ गए, आज आप फाइनल के पड़ाव पे खड़े हैं जिसको हम कहते हैं सीएस प्रोफेशनल का पड़ाव। तो दोस्तों मैं यही बात आपको कहने वाला हूं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स ऑफ डेट एंड इक्विटी हम पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब भी हम फाइनेंशियल डिसीजन को पढ़ेंगे तो हमारा पहला काम यही होगा कि हम उसके पॉजिटिव और नेगेटिव को देखेंगे। तो मैं चाहता हूं ए पॉइंट के नीचे आप पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर लें, एक जगह लिखें डेट पेज के आधे हिस्से में और बाकी आधे हिस्से में इक्विटी, और डेट के नीचे लिखें प्लस माइनस, इक्विटी के नीचे भी लिखें प्लस माइनस। और अब ईमानदारी से सोचेंगे, खुद सोचेंगे, क्योंकि आप जब ज्यादा सोचेंगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा कि हम करने क्या वाले हैं। मुझे चाहिए 10 करोड़, मान के चलते हैं किसी भी कंपनी को प्रोजेक्ट लगाने के लिए 10 करोड़ चाहिए, तो ये 10 करोड़ रुपए आएंगे कहां से, डेट से कितने आएंगे और इक्विटी से कितने आएंगे, ये बात का हमें सोचना है। तो मैं सोच रहा हूं कि मैं डेट के प्लस क्या होंगे और माइनस क्या होंगे। एक बच्चे ने बिल्कुल ठीक बताया कि डेट में हम जो भी पे करते हैं ना बेटे, उसका नाम है इंटरेस्ट। बेटे डेट में जो भी हम पे करते हैं उसको इंटरेस्ट बोलते हैं, और बेटे इक्विटी हम जो भी पे करते हैं डिविडेंड बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ईमानदारी से सुनिएगा, अटेंटिव होगे, अपनी पीछे की बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट रखिए, आपकी कमर बिल्कुल झुकनी नहीं चाहिए मेरे बेटे, बिल्कुल सीधी हो। सीधी बैकबोन वाले ज्यादा बच्चे सक्सेसफुल होते हैं ऐसा माना गया है। तो डेट के ऊपर हम इंटरेस्ट देते हैं, इक्विटी के ऊपर हम डिविडेंड देते हैं, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। 10 लाख रुपए हमने रेज करने हैं, अगर हम ज्यादा इक्विटी करेंगे या ज्यादा डेट करेंगे तो उसमें क्या प्लस माइनस होंगे उसको देखना है। तो मैं पहली बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि आपको प्रॉफिट हो या ना हो,
आपको इंटरेस्ट तो देना ही देना है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं ए पॉइंट में क्या लिख रहा हूं, इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स। इंटरेस्ट एक चार्ज है प्रॉफिट्स के अगेंस्ट। अभी मैं समझाऊंगा, मैं अभी समझाऊंगा। अभी इसका नेगेटिव मतलब जो इसका पॉजिटिव होगा ना दोस्तों, तो वो उसका नेगेटिव होगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इसका नेगेटिव है तो बेटे इसका पॉजिटिव है। डिविडेंड इज नॉट चार्ज। मैंने लिखा डिविडेंड इज नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। डिविडेंड एक चार्ज नहीं है जी प्रॉफिट्स के अगेंस्ट। बड़ी सिंपल सी बात है, अभी हम देखेंगे। आप मुझे एक चीज बता दीजिए, सभी स्टूडेंट यहां बैठे हैं, आप बताइए 11th क्लास से आप इंटरेस्ट पे करते आए और इंटरेस्ट का नाम सुनते आए हैं। इंटरेस्ट मैंने कहा इज अ चार्ज। चार्ज का मतलब है दैट इज कंपल्सरी टू बी पेड टू डिवेंचर होल्डर्स को कंपल्सरी हम इंटरेस्ट देंगे, देना पड़ता है। या टू बोरोवर्स, जिससे हमने उधार में पैसे लिए हैं उनको इंटरेस्ट देना कंपल्सरी है। ये बात तो पता ही आपको, अगर आप इंटरेस्ट नहीं देंगे तो वो लोग बड़े पापा के पास चले जाएंगे। कंपनी एक्ट 2013 में भी ये प्रोविजन है, और बड़े पापा को पता क्या कहेंगे हाई कोर्ट के जज को, पापा हमें ना ये ना इंटरेस्ट नहीं दे रहे। और आपको पता है पापा आपकी वाइंडिंग अप तक करा सकते हैं। तो आप ये बताइए, आपने आज तक जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया, आप मुझे बता दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आप हमेशा इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी चार्जेस होते हैं, जो भी चार्जेस होते हैं, दोज आर कंपल्सरली टू बी पेड एंड दोज आर टू बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बेटे जितने भी appropriations होते हैं, appropriations, distribution of profits, to distribution of profits, जो भी profits की distribution होती हैं बेटे वो profit and loss appropriation account में आती हैं। बात को ध्यान से समझिएगा। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि distribution of profits जो होते हैं not compulsory to be paid। तो मैं यही बात आपको कहता हूं, तो पैसे प्रॉफिट हो या ना हो आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। बट प्रॉफिट हो या ना हो डिविडेंड देने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इंटरेस्ट इज कंपल्सरी टू बी पेड। इंटरेस्ट को कंपल्सरी पे करना पड़ता है मेरे बेटे। और डिविडेंड इज नॉट कंपल्सरी टू बी पेड। डिविडेंड को कंपल्सरीली नहीं पे करना पड़ता। दो बातों का ध्यान रखिए, तो इंटरेस्ट को हम कंपल्सरी देते हैं और डिविडेंड को हम कंपल्सरी नहीं पे करते। तो हम क्या कर रहे हैं इस समय, फैक्टर्स देख रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, डेट लेना चाहिए या इक्विटी, और हम उसके प्लस लाभ और हानियां देख रहे हैं बेटे। ठीक है सर, पॉजिटिव में बेटे लिख रहे हैं नो डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल। डेट के केस में कोई भी डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल नहीं होगा बेटे। एक बच्चा कहता है डिल्यूशन क्या, अभी बता दो, ठंड रखो। और इसका नेगेटिव है बेटा, इसका नेगेटिव है बेटे डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल इज पॉसिबल। डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल
इज पॉसिबल। तो मैं कह रहा हूं जो डेट में प्लस है, नो डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल इज पॉसिबल। डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल हो ही नहीं सकता, और यहां पर डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल इज पॉसिबल, यहां पर डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल हो सकता है। अब ये होता क्या है, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आप सभी गर्मियों के दिनों में रूह अफ़ज़ा जरूर पीते होंगे, रूह अफ़ज़ा पीते हैं। वैसे मैं भी पीता हूँ, लेकिन बेटे जब मैं बहुत छोटा था तो मेरी मम्मी क्या करती थी, चीनी का घोल अलग से मिला के बना देती थी, चीनी का घोल अलग से कर देती थी। और जब भी कोई घर में आता था तो उसमें एक गिलास पानी में चीनी के 2 चम्मच का घोल डाल दिया, प्लस 1 चम्मच रूह अफ़ज़ा की डाल दी, 1 चम्मच रूह अफ़ज़ा की मेरे बेटे, और चीनी का घोल 2 चम्मच एक तरह का मीठा हो जाता था। तो अब रूह अफ़ज़ा की हमने 1 चम्मच डाली और उसमें मिक्स कर दी, तो मैं कहता हूँ इसको हम कहते हैं डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल, डिल्यूट कर दिया, डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल हो गया। और बेटे कई बार जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे समझ आया, कई बार मैंने क्या किया, रूह अफ़ज़ा का ढक्कन खोला, बोतल का ढक्कन खोला और मुंह पे लगा ली मेरी रूह अफ़ज़ा, मेरी रूह अफ़ज़ा। तो मैं कहता हूँ जब मैंने रूह अफ़ज़ा मेरी पी, तो क्या बताऊं दोस्तों, इतना मजा आया, ऐसे लगा पता नहीं अंदर क्या जा रहा है। तो मैं आपसे यही बात कहने जा रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब हम ज्यादा इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे तो वोटिंग राइट ज्यादा चली जाएगी लोगों के पास, और जब वोटिंग राइट ज्यादा चली जाएगी लोगों के पास तो अल्टीमेटली होगा क्या, हमारा जो कंट्रोल है वो कम होता जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता 51% से भी कम हो जाए, तो बेटे मेरी कंपनी मेरी नहीं रहेगी, फिर तो मुझे बाकी के लोग बाहर निकाल देंगे। लेकिन बेटे डिबेंचर्स में ऐसा नहीं होता, डेट में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि डेट में क्या होता है, आप इंटरेस्ट देते हैं और इंटरेस्ट चार्ज है पहली बात, दूसरी बात उनके पास बेटे वोटिंग राइट ही नहीं है, डिबेंचर्स में वोटिंग राइट नहीं है मेरे बेटे, क्योंकि वहां पर डिबेंचर्स में वोटिंग राइट नहीं है, इसलिए डिल्यूट होने का मतलब ही नहीं है। तो मैंने यही बात लिखी है, फायदा लिखा है डिबेंचर्स के केस में, आप देखिए मैंने पॉजिटिव लिखा है डिबेंचर्स के केस में और नेगेटिव लिखा मैंने इक्विटी के केस में। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने जा रहा हूं, जो आप सबको पता है फिर भी बताने जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल। ये बात आप बड़ी इंपॉर्टेंटली लिखिए, इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल, इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स की छूट मिलती है, इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स की छूट मिलती है। और यहां पर लिखिए बी पॉइंट में लिखिए, इक्विटी के बी पॉइंट में लिखिए इंटरेस्ट और डिविडेंड इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल, डिविडेंड जो है टैक्स डिडक्टेबल नहीं है मेरे बेटे। तो मैं दो बातें कह रहा हूं, इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल एंड डिविडेंड इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल। इसको समझाने के लिए मैं एक आपको बात समझाऊंगा, आप देखिए ध्यान से देखिए, मैं एक केस स्टडी करूंगा और उस केस स्टडी में ये बात बताने की कोशिश करूंगा कि डिविडेंड किस तरह से टैक्स डिडक्टेबल नहीं है और इंटरेस्ट किस तरह से टैक्स डिडक्टेबल है। मैं आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर रहा हूं एक ही कंपनी का 2 सिनेरियोस में, विद डेट, एक कंपनी ने डेट इशू किया हुआ है और उसी कंपनी ने डेट इशू नहीं किए, विदाउट डेट, विद डेट एंड विदाउट डेट, विद डेट एंड विदाउट डेट। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं बाय सेल्स 1,00,000 रुपए और यहां भी मैं लिख रहा हूं बाय सेल्स 1,00,000 रुपए, यहां पे मैंने लिखा टू वेरिएबल कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट 60,000 रुपीज और यहां पर भी मैंने लिखा टू वेरिएबल कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट 60,000 रुपीज, क्योंकि इस कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं इसलिए कंपनी डिबेंचर का इंटरेस्ट पे कर रही है। मैं मान रहा हूं डिबेंचर इंटरेस्ट 10,000 रुपए है और क्योंकि यहां पर कंपनी ने डिबेंचर इशू नहीं किए इसलिए मैं मान रहा हूं कि यहां पर डिबेंचर इंटरेस्ट नहीं है।
ध्यान से बैठे, मैं आपसे कह रहा हूं टैक्स का रेट 30% का है, तो आपने तीन चीजें निकालनी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है, टैक्स निकालना है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है, पीबीटी। आप तीन चीजें निकालेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसके बाद हम आगे डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। आप सभी कैलकुलेटर निकाल लें, कैलकुलेटर आपके सामने है, कैलकुलेटर आपके सामने है, कैलकुलेटर निकाल लीजिए। 1,00,000 में से 60,000 अगर चले गए और फिर 10,000 भी चले गए, तो बैलेंस जो बचा बेटे हुए 30,000 रुपए है, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। और अगर टैक्स का रेट 30% है तो बेटे 9,000 टैक्स आ गया और बेटे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 21,000 हो गया। आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं है, अपना अपना करें, कोई घबराने की बात ही नहीं है। बेटे यहां 40,000 लिख रहा हूं, यहां 12,000 लिख रहा हूं और यहां पर 28,000 लिख रहा हूं। बेटे आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं ना, खुद करें ना बेटे कैलकुलेटर से। मैं तो कैलकुलेटर आपके सामने रखा हुआ, देखिए बेटे, अगर आप ध्यान से देखें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पहले सिनेरियो में, केस वन में, मान लेते हैं इसको मैं कहता हूं केस वन, केस वन का सिनेरियो है और ये केस नंबर टू का सिनेरियो है मेरे बेटे, ये केस वन है और ये केस नंबर टू है बेटे। आप बताइए केस वन के सिनेरियो में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 21,000 रुपए का है, 21,000 रुपीज। और बेटे दूसरे सिनेरियो में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 28,000 रुपए का, डिफरेंस कितने का बेटे, डिफरेंस की पोटली कितनी की है बेटे, 7,000 रुपए का डिफरेंस है, डिफरेंस इज ऑफ रुपीज 7,000, 7,000 रुपीज का डिफरेंस है मेरे बेटे, 7,000 रुपए का डिफरेंस है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें प्रॉफिट बिफोर टैक्स में डिफरेंस जो है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में डिफरेंस 10,000 रुपए का है। इसका मतलब आप अगर खर्चे देखें तो खर्चे भी 10,000 के उसके ज्यादा, लेकिन 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 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डिफरेंस 10,000 का नहीं है, 7,000 का है। बेटे बात समझ आ रही है, मैं कह रहा हूं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डिफरेंस 7,000 का है। कौन सा बच्चा बता सकता है कि मैंने 10,000 ज्यादा दिए लेकिन मेरे प्रॉफिट में 10,000 से कमी नहीं आई, मेरे प्रॉफिट में 7,000 रुपए से कमी आई? हाँ ठीक पहचाना आपने, ठीक पहचाना, क्योंकि जब मैं डिबेंचर इंटरेस्ट पे कर रहा हूं तो मैं यहाँ पर टैक्स कम दे रहा हूं। आप देखिए टैक्स कम दे रहा हूं, टैक्स यहां पर 9,000 दे रहा हूं जहां पर डिबेंचर इंटरेस्ट था और यहां 12,000 दे रहा हूं जहां पर डिबेंचर इंटरेस्ट नहीं था। तो मैं आपसे यही तो कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे यही तो बात बोलना चाह रहा हूं कि इंटरेस्ट आपने भले इंटरेस्ट पेड, मैं तो कह रहा हूं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड इज रुपीज 10,000, आपने 10,000 रुपए का इंटरेस्ट पे किया, बिल्कुल ठीक बात है। टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट रुपीज 3,000 और बेटे लास्ट में रुपीज 7,000 का मैं नाम लिखूंगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद हमने कितना इंटरेस्ट दिया बेटे वो निकाल लिया मैंने 7,000। आप बात को समझ रहे, ये 7,000 का डिफरेंस आया। इसका मतलब जब आप इंटरेस्ट देंगे तो इंटरेस्ट को इनकम टैक्स एक्ट एक डिडक्टेबल एक्सपेंस मानता है और वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करने देगा। जब उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर सकते हैं तो हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे। अच्छा, जब खर्चे बढ़ेंगे तो प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। अच्छा, जब प्रॉफिट्स कम होंगे तो बेटे टैक्स भी तो कम देना पड़ेगा, टैक्स भी तो कम देना पड़ेगा। जब मैं टैक्स कम दूंगा,
जब मैं टैक्स कम दूंगा तो अल्टीमेटली मेरे को टैक्स की बचत होगी या नहीं, इसका मतलब मैंने हाथी के दांत देखे आपने बेटे, हाथी के दो दांत तो बेटा बाहर के होते हैं, दो अंदर के होते हैं, हाथी के दिखाने के दांत अलग होते हैं, खाने के दांत अलग होते हैं। इंटरेस्ट दिया तो दस लेकिन इफेक्टिवली मेरे घर में मैंने 7,000 दिया, तो 3,000 की टैक्स की सेविंग, बात समझ आ गई। तो चलिए जी, मैं उसी में आ रहा हूं, मैं कर क्या रहा हूं, एक बच्चा तो भूल भी गया, उसको नींद आ रही है, वो कहता पता नहीं मास्टर पागल तो हो गया क्या करा रहा। बेटे चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल डिसीजंस, बेटे चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल डिसीजंस। बेटे इसमें अभी हम कंसेप्ट नंबर 2 कर रहे हैं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो दो सोर्सेज ऑफ फंड्स है ना आपके पास, एक डेट और एक इक्विटी, किससे कितना लेना चाहिए, उससे पहले मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि डेट और इक्विटी के लाभ और हानियों को कैलकुलेट करना है और उसको लिखना है। तो पहला लाभ और हानि मैं यहां पे चेक कर रहा हूं, पहला फैक्टर ये देख रहा हूं, ठीक है जी। आइए मैं एक बात और लिखूंगा, नेगेटिव में लिखूंगा, फिर थोड़ा सेट पूरा हो जाएगा। डिबेंचर्स आर शॉर्टर टर्म फाइनेंस। बड़ी प्यारी सी बात लिखी मैंने बेटे, डिबेंचर्स आर जनरली शॉर्टर टर्म फाइनेंस, और इक्विटी मैं लिख रहा हूं बेटे, इक्विटी इज लॉन्ग टर्म फाइनेंस, इक्विटी is long term finance and debenture is short term finance, equity is long term finance and debenture is short term finance। बात समझ आ रही है आप सभी को? क्यों? क्योंकि debentures irredeemable आप issue नहीं कर सकते, आपको debentures तो redeemable issue करने हैं, और कंपनी एक्ट 2013 भी यही कहती है। आप देखिए ना बैलेंस शीट देखिए, कंपनी एक्ट 2013 में जो नया फॉर्मेट आया है आप एक्चुअली में देखते नहीं है, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले यह लिखा हुआ है लायबिलिटीज एंड ओनर्स फंड इक्विटी, पहली साइड ही आने शुरू कर दिया उन्होंने। सबसे पहले उन्होंने यहां पर लिखा है जी, आप यहां लिखिए ओनर्स फंड इक्विटी, लिखिए इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस वगैरह वगैरह। उसके बाद उन्होंने दूसरा ऐड बनाया नॉन करंट लायबिलिटीज का मतलब डेट का, और उसके बाद उन्होंने बनाया करंट लायबिलिटीज का। बेटे तीन तो हेड है, लायबिलिटी साइड में तीन ही हेड है मेरे बेटे, एक ओनर्स फंड, दूसरा नॉन करंट लायबिलिटीज और तीसरा करंट लायबिलिटीज। आप बताइए ये जो दो सोर्सेज हैं, ये एक सोर्स है सोर्स नंबर वन है, इसको हम बोलते हैं इक्विटी, और ये सोर्स नंबर 2 है, इसको हम बोलते हैं डेट। तो बेटा इसी तरह से बैलेंस शीट बनी है कंपनी तक 2013 की। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट इस समय हम जो कर रहे हैं वो ये है कि How much should be the optimum debt equity mix? And for optimum debt equity mix, there are so many factors. पहला factor हमने discuss किया बेटे, positives and negatives of debt and equity. अभी और भी बहुत सारे positives और negatives हैं, वो बात मैंने अभी पूरे नहीं बताए, लेकिन बड़े सारे और भी positives and negatives हैं, वो हम देख लेंगे। सेकेंड फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका नाम है एमपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर। आपको वहां से पैसे लेने चाहिए जहां से आपको लगता है कि आपका मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया बेटे एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर, एमपीएस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जी एमपीएस। तो मैं अब आपको यही बताने जा रहा हूं कि आप जब फंड्स की रिक्वायरमेंट को फ्रेम कर रहे हो ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स में, तो एक दूसरा फैक्टर जो ध्यान में रखना चाहिए उसका नाम है मार्केट प्राइस पर शेयर।
तो अब आप छोटा सा इसके नीचे लिख लें, इसी के नीचे मार्केट प्राइस पर शेयर के नीचे उसी कंसेप्ट में मार्केट प्राइस एमपीएस ऑफ अ कंपनी, एमपीएस ऑफ अ कंपनी डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स, एमपीएस ऑफ अ कंपनी डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स। एक कंपनी की जो एमपीएस है वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। हायर द एमपीएस बेटर इट इज, हायर द एमपीएस बेटर इट इज। ये क्या लिखा बेटा मैंने, हायर द एमपीएस बेटर इट इज, मैं क्या लिख रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 10 लाख रुपए जैसे आपको चाहिए रिक्वायरमेंट है और 10 लाख में दो प्रपोजल्स हैं। एक प्रपोजल है मान लेते हैं कि 60% डेट है और 40% इक्विटी है, ऐसा मान लेते हैं। और जो दूसरा प्रपोजल है उसमें 30% डेट है, 30% डेट है और बेटे 70% इक्विटी है। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि इसमें 6 लाख रुपए हम डिबेंचर से लेंगे और 4 लाख रुपए इक्विटी से लेंगे और यहाँ पर 3 लाख रुपए डेट से लेंगे और 7 लाख रुपए इक्विटी से लेंगे। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, एक सेकंड के लिए ऐसा मान रहा हूँ, ठीक है जी। तो 10 लाख रुपए यहाँ यहाँ से इस तरह से चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं आप कहीं से भी लीजिए, मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मुझे वहां से लेना चाहिए जहां से एमपीएस क्या हो जाए, हायर चला जाए। मुझे तो बस किसी भी तरह से मार्केट प्राइस पर शेयर को बढ़ाना है, मार्केट प्राइस पर शेयर को इंक्रीज करना है। तो हायर द मार्केट प्राइस बेटर इट इज, आगे लिखेंगे जी इसी में एमपीएस डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स जो हमें पता ही है, नेमली ईपीएस, प्रमोटर्स ट्रैक रिकॉर्ड। एक कंपनी की मार्केट प्राइस अलग अलग बातों पे निर्भर करती है, प्रमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड, अर्निंग पर शेयर लिक्विडिटी पोजीशन, कॉम्पिटिटर्स, उस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं। इसका मतलब एक कंपनी के जो मार्केट प्राइस है मेरे बेटे, वो अलग अलग बातों पे निर्भर करती है। मैं आपसे यही तो कहना चाह रहा हूं कि आप बताइए, एक कंपनी का 10 रुपए का शेयर है रिलायंस का, इंफोसिस का, लेकिन एक शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 10 का थोड़ी बिक रहा है, किसका बिक रहा है, 80 का, 800 का, 8000 का, ऐसे बिक रहे हैं। तो मुझे एक चीज बताइए कि 10 रुपए वाली चीज 800 रुपए में कैसे बिक सकती है। मैं तो कहूंगा ये फेस वैल्यू है और ये एमपीएस है, तो किस तरह से फेस वैल्यू और एमपीएस में चेंज है, मेरे को ये पूछना है आपसे। तो मैं आपसे कह दूं एमपीएस किसी कंपनी की ज्यादा होती है उसके बड़े सारे फैक्टर्स पे, एक होता है ईपीएस, एक होता है बेटे लिक्विडिटी पोजिशन, एक बेटे प्रोमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड। प्रोमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा था मेरे बेटे, और एक जो फैक्टर होता है, ऐसे तो बड़े सारे होते हैं बेटे, कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, फ्यूचर ग्रोथ कितनी लग रही है उस सेक्टर में, फ्यूचर ग्रोथ कितनी है, कॉम्पिटिटर्स कितने हैं। तो इन सभी बातों पे डिपेंड करता है कि एक कंपनी का मार्केट प्राइस कितना जाने वाला है। तो अब आगे लिखें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज, सबसे कीमती फैक्टर कौन सा है, इस ईपीएस, बेटे इसका नाम लिख लें अर्निंग पर शेयर, आराम से बेटे, कोई जल्दी तो है ही नहीं अभी, तो बेटे कंसेप्ट 2, 3 और 4 ही किया, ज्यादा कुछ करना नहीं है बेटे। आज हम क्या करेंगे, बस एक ही क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा बेटे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज ईपीएस, अर्निंग पर शेयर मेरे बेटे, अर्निंग पर शेयर। आइए आराम से लिख लीजिए, फिर मैं लिख रहा हूं आगे मैं लिख रहा हूं
the relationship between EPS and MPS, the relationship between EPS and MPS can be calculated with the help of price earning ratio. बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो लिख दिया है, विद द हेल्प ऑफ प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला लिख लीजिए, प्राइस अर्निंग रेशियो इज इक्वल टू एमपीएस अपॉन ईपीएस। बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इस समय में आ चुका हूं, आराम से लिखें, कोई जल्दी तो है ही नहीं ना बेटे, कोई जल्दी तो है ही नहीं। ये कंसेप्ट नंबर 5 समझ लीजिए, मैं एक्चुअली में शायद नंबरिंग गलत दे दी मैंने बेटे, ये प्यार है जो समझाता जा रहा हूं, अलग अलग एग्जांपल्स अलग अलग चीजों से समझा रहा हूं बेटे, ये आपको ज्यादा समझ आए। मैं बेटे इसको कह रहा हूं ये कंसेप्ट नंबर 2, 3, 4 में फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसीजन, चलिए कोई बात नहीं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर डेट इक्विटी मिक्स, कोई दिक्कत नहीं बेटे, ठीक है बेटा, यहां तक लिख लिया। अब मैं कहता हूं सपोज प्राइस अर्निंग रेशियो इज इक्वल टू 5 times इन केस ऑफ इंफोसिस, मान लेते हैं इंफोसिस के केस में प्राइस अर्निंग रेशियो 5 गुना है, तो हमें तो ये समझना है ना कि 5 गुना का मतलब क्या है, ठीक है जी, लिख लिया क्या, फिर लिखिए देन इट इंप्लाइज फॉर एवरी रूपी 1 of earning, बड़ी प्यारी चीज लिख रहे बेटे, फॉर एवरी रूपी 1 of earning Investors are ready. Investors are ready to pay ₹5. Investors are ready to pay ₹5. ठीक है बेटे, आगे लिखिए higher the price earning ratio. Better it is, जितनी प्राइस अर्निंग रेशियो ज्यादा होगी उतना बढ़िया, हायर द प्राइस अर्निंग रेशियो बेटर इट इज, जितनी हायर होगी उतना बढ़िया। अब एक बच्चा कहता है मास्टर ये बात तो समझ आ गई जो तू बता रहा है कि हमें ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स के लिए, ऑप्टिमम चाय के लिए, ऑप्टिमम च्यवनप्राश के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें पहली बात है पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ डेट एंड इक्विटी। दूसरी बात मास्टर ये भी समझ आ रही है कि हमें वो वाला स्ट्रक्चर लेना चाहिए, वो प्रपोजल लेना चाहिए जहां पर एमपीएस ज्यादा हो, और मास्टर ये तो बता कि एमपीएस कैसे निकालेंगे, एमपीएस निकाल कैसे सकते हैं। मैंने कहा बेटे कोई टेंशन की बात नहीं है, आप ये बताइए आपको करंट रेशियो में दे दूं, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज लिख दूं, अगर मैं रेशियो दे दूं करंट लायबिलिटीज दे दूं तो करंट एसेट भी आ जाएंगे, कैसी बातें कर दी छोटी सी, उसी पॉइंट में लिखिए आप आगे हद कर दी, ऐसी ऐसी बातों से क्या मुंह छोटा कर लोगे, ऐसी ऐसी बातों का मुंह खराब कर लोगे, लिखो MPS is equal to, मैंने कहा बेटे price earning ratio is equal to MPS upon EPS। अब बेटे मैं कहता हूं कि अगर आप EPS calculate कर लें और ये given हो, मान के चलो ये given हो और इसको to be calculated, इसको आपने calculate कर लिया
और प्राइस अर्निंग रेशियो गिवन है, तो बेटे एमपीएस से निकाल सकते, एमपीएस इज इक्वल टू प्राइस अर्निंग रेशियो इनटू ईपीएस, एमपीएस इज इक्वल टू प्राइस अर्निंग रेशियो इनटू ईपीएस, लिख लो सब बच्चे लिखेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ईपीएस कैसे निकालते हैं, ठीक है जी। इसी के नीचे लिखिए नोट नंबर वन, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर मतलब ईपीएस इज इक्वल टू प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अभी लिख लो बेटा, ठंड कर लो, आराम से लिख लो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब एक बच्चा कहता है बेसिक है या प्रोस्पेक्टिव है, थप्पड़ मारूंगा कान पे, मैंने कहा अभी चुपचाप लिख रहे हैं ये बेसिक है, प्रोस्पेक्टिव की बात नहीं कर रहे, हद कर दी। प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये फॉर्मूला आपने पहले भी कहीं ना कहीं देखा हुआ है। अब मैं नोट नंबर टू लिखूंगा मेरे बेटे, नोट नंबर टू लिखूंगा मेरे बेटे, और यहां लिखूंगा फॉर्मेट फॉर कैलकुलेटिंग, फॉर्मेट फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, लिख लीजिए फॉर्मेट फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। बेटा ये फॉर्मेट रटना नहीं है, खाली एक बात लिख लें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये आपको आता है। जैसे मैं सबसे पहले लिखूंगा ईबीआईटी, ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसके बाद बेटे मैं लिखूंगा लेस इंटरेस्ट, बेटे इंटरेस्ट तो पता चल ही चुका है, बोरोअर फंड पे देते हैं बेटे, ये लेस कर देंगे तो यहां पे जो फिगर आएगी उसको बोलते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स, ये अर्निंग बिफोर टैक्स आ गई मेरे बेटे। इसमें से टैक्स का पार्ट लेस कर देंगे तो यहां पर जो चीज बचेगी उसको बोलते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स, आराम से, कोई जल्दी तो है ही नहीं, मैं अगले पेज में ले लूंगा, पहले यहां तक लिख लें बेटे। पहली क्लास है ना, पहली क्लास में ध्यान से बैठ रहे हैं, मान लीजिए ये फर्स्ट लेक्चर अगर आपने ध्यान से सुन लिया और कर लिया और लिख लिया, आगे वाले लेक्चर ईजी हो जाएंगे, पूरा चैप्टर आप जेब में डाल सकते हैं अगर आपने ध्यान से समझ लिया। मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूं आपको एक एक पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूं, फॉर्मेट फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ईबीआईटी, लेस इंटरेस्ट, ईबीटी, लेस टैक्स, ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स, इस फिगर को बोलते हैं बेटे अर्निंग आफ्टर टैक्स, इसको बोलते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स मेरे बेटे, यहां पर लिख रहा हूं मेरे बेटे अर्निंग आफ्टर टैक्स को लिख रहा हूं, और मैं यहां पर अर्निंग आफ्टर टैक्स की के साथ लिख रहा हूं लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, और यहां पर लिखेंगे बेटे लेस ट्रांसफर टू रिजर्व्स, लेस ट्रांसफर टू रिजर्व्स, रिजर्व्स में ट्रांसफर कर देंगे मेरे लाल, ये जो बच गया इसको बोलते हैं प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, आराम से बेटे कोई टेंशन की बात नहीं। मैं आपको ये पूरा फॉर्मेट नहीं कह रहा कि आप रटिए, आप खाली ध्यान से सुनिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उस एग्जांपल से सारा का सारा फॉर्मेट आपको समझ आ सकता है। आपने अपने घर में या कहीं पर देखा होगा कि लड़के वाले डांस करते हुए एक दिन आते हैं
वो लड़के वाले डांस करते हुए आ रहे हैं, डांस करते हुए, डांस करते हुए लड़की वालों की यहाँ विवाह विवाह का कार्यक्रम आपने देखा होगा, लड़के वाले डांस करते हुए आ रहे हैं। और मैं मानता हूं कि लड़के वाले बिल्कुल टाइम पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि बेटे दिल्ली में अगर लड़के वाले लेट पहुंचते हैं ना तो लड़के वाले खुद ही खाना खाना शुरू कर देते हैं। अभी लड़का पहुंचा नहीं, वो खाना खा के सगन दे के चले भी जाते हैं, क्योंकि बेटे अगले दिन वर्किंग होता है ना। इसलिए मैं अजम्पशन ले रहा हूं कि लड़का बिल्कुल टाइम पे पहुंचा। आप बताइए, सबसे पहले मान लेते हैं खाना बिल्कुल तैयार है, खाना तैयार है, खाना बिल्कुल बना हुआ है, सबसे पहले खाना कौन खाएगा? बेटे लड़का खाएगा, घोड़ी से उतर के भागता हो जाएगा, मुझे भूख लगी है भूख लगी है। या बेटे लड़की खाएगी, ब्यूटी पार्लर से भागती हुई आएगी, मुझे भूख लगी है मुझे भूख लगी है, अपने लहंगा पकड़ के भागती हुई आएगी, मुझे दे दो रोटी मुझे दे दो रोटी। या बेटे लड़के वालों में से कोई खाएगा, और या बेटे लड़की वालों में से कोई खाएगा, आराम से, कोई जल्दी तो है ही नहीं। मैंने कहा आप ईमानदारी से सोचिए कि अगर बारात टाइम पे पहुंची है तो सबसे पहले खाना कौन खाएगा? बिल्कुल ठीक है मेरे बेटे, सबसे पहले खाना लड़के वाले खाते हैं, क्योंकि बेटे एक ही दिन होता है जितने नखरे करते हैं। आप आराम से किसी बारात में देखें तो आपको पता भी चल जाएगा कि ये लड़के वाले हैं और ये लड़की वाले हैं, ये लड़के की बहन है और ये दुल्हन की बहन है, सब पता चलेगा, उनकी ड्रेसअप से पता चलेगा, उनके आव भाव से पता चलेगा, उनकी खुशी से पता चलेगा, उनके नखरों से पता चलेगा। तो सबसे पहला काम जो होता है ना बेटे खाना खाने का, लड़के वालों को होता है। और बेटे लड़के वाले ना बड़े नखरे वाले होते हैं, अगर उस दिन उनकी बात नहीं मानी ना बेटे बारात भी वापस लेके चले जाते हैं, आप मूवीज में देखते ही रहते हैं। तो बेटे लड़के जो वाले हैं ना, यहाँ पर जो मैंने लिखे हैं डिवेंचर होल्डर्स है, ये इंटरेस्ट जो आप सबसे पहले खाना बन गया, जो सबसे पहले खाना खाएगा बेटे डिवेंचर होल्डर्स खाएंगे, डिवेंचर होल्डर्स खाएंगे। तो ईबीआईटी में से सबसे पहले मैं खाना डिवेंचर होल्डर्स को दूंगा। अब आपको मालूम है कि आप किसी बारात में देखें, आप अगर किसी बारात में देखें कि वहां पर खाना खाने के साथ साथ, खाना खाने के साथ साथ, खाना खाने के साथ साथ, या खाना खाने के बाद की बात करें, खाना खाने के बाद की बात करें, तो मैं आपसे ये कहता हूं कि आप कभी देखें कि उस बारात में कुछ बेशरम लोग भी घुस जाते हैं, और वो बेशरम लोगों को कोई बुलाता बुलाता नहीं है, खुद ही खाना खाना शुरू कर देंगे बैंड बाजे वाले। और दोस्तों हद तो तब हो जाती है जब वो जेब से प्लास्टिक की थैली भी निकालेंगे और देसी घी का हलवा उसमें डालेंगे, खा भी लेंगे और घर भी ले जाएंगे, खा भी लेंगे और घर भी ले जाएंगे। बेटे वही तो है इनकम टैक्स, टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आओ बेटे मैं यहाँ पर, उसके बाद मैंने देखिए क्या लिखा, ईबीडी में से बेशरम लोगों को लेस किया, दैट इज इनकम टैक्स, इनकम टैक्स लेस कर दिया। इनकम टैक्स लेस करने के बाद जो भी कुछ बचा, मैंने कहा इसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मैंने कहा जी इसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट एंड आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स, इसको बोलते हैं जी अर्निंग आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसके साथ साथ आपने कभी देखा हो बारात में लड़के वालों ने खाना खा लिया, बेशरम लोगों ने खाना खा लिया, अब बेटे जो लड़की वालों की तरफ से आए होते हैं, लड़की वालों की तरफ से, लड़की नहीं लड़की वालों की तरफ से, उनको भी तो भूख लगती है ना बेटे। माना कि वो लड़की वाले हैं, माना कि उस दिन नहीं बोलते तो ले बेटा भूख तो लगती है ना। इसलिए आप देखिए मैंने लेस क्या किया, प्रेफरेंस डिविडेंड, आप चेक कर लीजिए, मैंने उसके बाद लेस किया प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड। लास्ट में अगर आप कभी देखें किसी भी बारात में तो लड़के सब चले जाते हैं, बाराती वगैरह सब खाना खा के चले जाते हैं, लड़के को बुलाते हैं बिठाते हैं, लड़की को बुलाते हैं बिठाते हैं, आसपास रिश्तेदार बैठ जाते हैं, इधर सामने वीडियो कैमरा वाला खड़ा होता है। उस दिन तो बेटे लड़की कुछ बोलती नहीं है, उसके बाद बस एक ही दिन नहीं बोलती बेटे, उसके बाद खाली लड़की बोलती है और कोई नहीं बोलता बेटे। उस दिन एक्चुअली में वीडियो कैमरे वाला कहता है सर आप मैडम को खिलाइए, मैडम को कहता है सर आप, मैडम आप सर को खिलाइए। उस दिन तो मैडम को भूख ही नहीं लगती, क्यों बेटे इतना तो चेहरे में फेशियल कराया होता है कि मुंह खुलता ही नहीं बेटे, मुंह नहीं खुलता। तो उस दिन तो कम खाना होता है बेटे, ज्यादा खाए भी ज्यादा इच्छा तो होती है ज्यादा खाने की, अपनी जाति में खाने की इच्छा तो होती है, लेकिन बेटे खाया नहीं जाता, खाया नहीं जाता। तो मैं यही बात कह रहा हूँ, मान के चलिए कि लास्ट में खाना बच गया, और जब खाना बच गया तो आप अपने घर ले गए, जो
जिन्होंने खाना बनवाया लड़की वाले घर ले गए, लड़की वाले घर ले गए, एक वीक तक गर्म कर करके कर करके कर करके बेटे खाते हैं। इसका मतलब जो लास्ट में प्रॉफिट्स बच जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट्स, उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट्स अवेलेबल, प्रॉफिट्स अवेलेबल टू टू इक्विटी इक्विटी शेयर होल्डर्स। बेटा जो लास्ट में प्रॉफिट बच जाते हैं उनको कहते हैं प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी होल्डर्स। आप देख लीजिए यही किया आपने। और बेटे ये फॉर्मूला है, अब समझ आई बेटे। मैं इस समय कंसेप्ट नंबर टू थ्री फोर और फाइव को समझाने में लगा हुआ हूं कि ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स कैसे निकाली जाती है। ठीक है जी, आइए अब थ्योरी के अलावा एक छोटा सा प्रैक्टिकल जरूर करेंगे और एक कंसेप्ट आप लिख लें फिर हम आगे चलेंगे बेटे। लो मेरे बेटे, ये मैंने बड़ा कर दिया बेटे, लो बेटे, लो मेरे बेटे, ये बेटे सीधे ही करा दिया। कंसेप्ट पांच तक मैं लिख चुका हूं, फिर भी आप एक बार कंसेप्ट पांच दोबारा से लिखना चाहे लिख सकते हैं। हेडिंग लिखिए ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर डेट इक्विटी मिक्स, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर डेट इक्विटी मिक्स, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर डेट इक्विटी मिक्स। लिखिए लिखिए लिखिए। इसको बेटा अंडरलाइन कर लेना ना। ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स इज दैट वेयर ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट कैन बी अचीव्ड। द मेन ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयरहोल्डर्स। बेटा शेयरहोल्डर के साथ लिख लेंगे इक्विटी शेयरहोल्डर्स। बेटे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है एमपीएस को इंक्रीज करना, मार्केट में पास होना बेटे, चाहे पढ़ो या ना पढ़ो। हाँ पढ़ के पास होगा तो ज्यादा सफलता मिलेगी, लेकिन फिर भी हमें सफलता पहले चाहिए। एमपीएस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग वेल्थ। ईपीएस का मैक्सिमाइज करना इज सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, ईपीएस को मैक्सिमाइज करना एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है बेटे। तो चलिए जी, अब मैं आ रहा हूं थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझाने में, क्योंकि थोड़ा सा प्यार थोड़ा सा मैजिक इसी से काम हो जाएगा। मुझे आज एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराना है, पहली क्लास है मेरे बेटे, पहली क्लास है। अभी डेढ़ घंटा हो गया मैं खाली थ्योरी बताता जा रहा हूँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, कहाँ से आया, डिसीजन क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, डेट क्या होता है, प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है। बेटे मुझे प्यार है आपसे बेटे, कोई भी यूट्यूब का वीडियो देख लें इस तरह से नहीं होगा जिस तरह से मैं बता रहा हूँ बेटे, इस बात का दावा है। अब आपको प्रैक्टिकल पेपर में क्या करना है, आपको प्रैक्टिकल पेपर में क्या करना है, कैसे ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स निकालेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे, ये सारी बातें बताऊंगा। पहले आप आराम से फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दें, पहला क्वेश्चन पढ़ें। मैं चाहता हूं कि आप सब पेज नंबर पेज नंबर 242 एक बार निकाल लें, पेज नंबर 242 पहले निकाल लें। मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूं, अभी देखेंगे इसको, ये मैंने छोटा कर दिया। आप पेज नंबर 242 निकाल लेंगे प्रैक्टिकल में, ये आ गया जी पेज नंबर 242। ये देखिए जी मैंने बड़ा भी कर दिया इसको, ये बेटे कंसेप्ट 1 to 9 है मेरे बेटे, कंसेप्ट 1 to 9। अभी वैसे मैंने 5 तक कराया, अभी 6वां 7वां 8वां लिखवाऊंगा फिर कराऊंगा, टेंशन मत लेना। लेकिन मैं क्वेश्चन ये वाला बता रहा हूँ, पहले पढ़ ले। आपके पेपर में किस तरह के आते हैं वो क्वेश्चन है बेटे। फाइनेंशियल डिसीजन का
पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं कंसेप्ट 1 to 9 कवर करेंगे बेटे। इसमें ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स की बातें होंगी और मैं लिख रहा हूं अ कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। पढ़ेंगे ईमानदारी से। फर्स्ट क्वेश्चन निकाल लीजिए सभी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 242 ये देख लीजिए, पेज 242 A company's capital structure consists of the following। बेटे एक कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर में ये चीजें हैं। इक्विटी शेयर्स हैं बेटे 20 लाख रुपए के, रिटेन्ड अर्निंग है बेटे 10 लाख रुपए की, 9% प्रेफरेंस शेयर्स हैं 12 लाख रुपए के, 7% डिबेंचर्स हैं 8 लाख रुपए के। चार चीजें तो इस कंपनी में पहले से ही दी हुई है, इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 10 लाख, प्रेफरेंशियल कैपिटल 12 लाख, 7% डिबेंचर्स 8 लाख। टोटल चेक कर लें, वो थोड़ा प्रिंटिंग में ऊपर नीचे हो गया, आपकी बुक में ठीक प्रिंट है 50 लाख रुपए। द कंपनीज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 12% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब आप 100 रुपए की पूंजी लगाएंगे तो उसमें 12 रुपए मिलेंगे, 100 रुपए की पूंजी डालेंगे तो वापस 12 रुपए ही आने वाले हैं, बस 12 रुपीज वापस आएंगे। इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है जी, विच इज लाइकली टू रिमेन अनचेंज, जो बदलेगा नहीं आफ्टर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद ये बदलने वाला नहीं है, सेम ही रहेगा। द एक्सपेंशन इन्वॉल्व्स, ये कंपनी एक्सपेंड करना चाहती है, अलग अलग प्रोडक्ट को शुरू करना चाहती है, अलग अलग मार्केट में जाना चाहती है सेम प्रोडक्ट को लेकर। द एक्सपेंशन इन्वॉल्व्स एडिशनल फाइनेंस ऑफ 25 लाख, क्योंकि वो एक्सपेंड करना चाहती है तो 25 लाख रुपए की जरूरत है। और वो 25 लाख रुपए आएंगे कहां से, उसके तीन रास्ते नीचे दिए होंगे, फॉर विच फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल टू इट, जिसके लिए तीन ऑल्टरनेटिव गिवन है। पहला, इशू ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹25। आप अगर ऊपर देखें तो फेस वैल्यू 100 रुपए की दी हुई है मेरे बेटे, प्रीमियम 25 का होता बेटे 125 का इशू करेंगे, 20,000 × 125 करके देखिए कैलकुलेटर है, 20,000 × 125 बेटा ये 25 लाख रुपए आ जाएगा, चेक कर लीजिए 25 लाख रुपए आ गया है। क्योंकि 25 लाख ही चाहिए तो पहला रास्ता है कि इक्विटी शेयर इशू कर देते हैं, ठीक है। दूसरा रास्ता 10% प्रेफरेंस शेयर्स, बेटे पहले जो पुराने प्रेफरेंस शेयर थे ना वो 9% के हैं, वो कह रहा है 10% प्रेफरेंस इशू कर दो, ठीक है जी। थर्ड है इशू ऑफ 8% डिबेंचर्स, बेटे पहले जो डिबेंचर्स है वो 7% के हैं, अब 8% के करने हैं, 25 लाख के। इसका मतलब 25 लाख रुपए को रेज करने के तीन रास्ते हैं, एक इक्विटी शेयर्स, एक प्रेफरेंस शेयर्स और एक डिबेंचर्स, ठीक है जी। इट इज एस्टिमेटेड दैट प्राइस अर्निंग रेशियो इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर फाइनेंसिंग, वो कहता है जो ऊपर तीन फाइनेंसिंग है उसमें प्राइस अर्निंग रेशियो ये होने की संभावनाएं हैं। Which of these alternatives of financing would you recommend? आप इसमें से कौन सा फाइनेंस का alternative recommend करेंगे और क्यों? और क्यों? Tax rate 50% है। मैं रुक गया हूँ जी, मैंने नीचे बहुत सारे नोट्स भी लिखे हैं, लेकिन पहली ऐसी किताब है इस इंडिया के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो बातें मेरे को लगा कि आपके दिमाग में आ सकती है उनको मैंने नोट फॉर्म्स में लिखा है। नोट 1, नोट 2, नोट 3, नोट 4, बेटे ऐसे ऐसे लिखा देखो, नोट 1, नोट 2, नोट 3, ऐसे 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 मेरे बेटे, आराम से क्वेश्चन पढ़ लिया गया सभी ने, हम दोबारा से क्वेश्चन में आएंगे। मुझे इस पूरे क्वेश्चन में ये बताना है कि बेस्ट सोर्स ऑफ फंड कौन सा है। तो आज के बाद आपको जब डेट इक्विटी मिक्स बेस्ट निकालना हो तो तीन कंसेप्ट फॉलो करेंगे, वो हम लिखने जा रहे हैं
और उन्हीं तीन कंसेप्ट के साथ हमारा बहुत बढ़िया काम क्लियर होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी उन कंसेप्ट को एक बार लिख लें। तो कंसेप्ट नंबर 5 तक तो हम लिख ही चुके, 6 लिखेंगे, पहले 6 लिखना है, 7 लिखना है, 8 लिखना है, 9 लिखना है, और बेटे और मेरे लाल फिर 9th के बाद हम इसी फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो आइए जी, कंसेप्ट नंबर 6, कंसेप्ट नंबर 6, फॉलोइंग कैन बी द 3 steps, फॉलोइंग कैन बी द 3 steps टू बी फॉलोड इन डिजाइनिंग एन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। बड़ा ही प्यारा सा बेटे, 3 steps अगर आपने फॉलो कर दिए, इस लाइफ में सारे डेट इक्विटी मिक्स के क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। मैंने इसमें कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन लिखे और ईपीक्यू की अलग से बुक आपको मिल रही है। तो स्टेप 1 लिखिए चुपचाप, हाँ मास्टर तू चुप रही हो, बोलियो मत, लिखने दे, बहुत बकबक करता है। ठीक है बेटे, मैं चुप रहूंगा। पहला स्टेप है बेटे, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। जैसे पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा, 25 लाख रुपए चाहिए थे, तो उसमें कितने अल्टरनेटिव है बेटे, 3। तो आप उन तीनों अल्टरनेटिव की कैपिटल एम्प्लॉयड बनाइए, वो यही कह रहा है। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ एमपीएस एंड ईपीएस। मैंने अभी भी बताया था ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स में, एमपीएस को मैक्सिमाइज करना, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ईपीएस। तो स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ एमपीएस / ईपीएस ऑफ ऑल द अल्टरनेटिव्स। स्टेप नंबर 3, गिव द रिकमेंडेशन टू द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को उसकी रिकमेंडेशन देना, ये बेटे स्टेप नंबर 3 है। स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दी नहीं है जी, मुझे एक ही क्वेश्चन कराना बस। लिख लिया बेटे, कंसेप्ट 7 लिखिए, फॉर्मेट फॉर प्रिपेयरिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ डिफरेंट प्रपोजल्स, फॉर्मेट फॉर प्रिपेयरिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे इसमें बेटे स्टेप नंबर 1 था ना, स्टेप नंबर 1 था ना, और कैपिटल एम्प्लॉयड के बनाना है, तो बेटे स्टेप नंबर 1 का फॉर्मेट समझ लीजिए। कंसेप्ट 7 है, फॉर्मेट फॉर प्रिपेयरिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ डिफरेंट प्रपोजल्स। जैसे पहले क्वेश्चन में 3 प्रपोजल्स थे, तो 3 कॉलम बनेंगे, मैंने माना 2 हो तो 2 है, हो कितने भी सकते हैं, फॉर्मेट लिख रहे हैं। ओनर्स फंड, ओनर्स फंड में मैंने पहली चीज लिखी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल, न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल, एग्जिस्टिंग प्रेफरेंशियल कैपिटल, न्यू प्रेफरेंशियल कैपिटल। आराम से बेटे, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल, न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल, existing preferential capital, new preferential capital, reserves, और फिर है बेटे securities premium,
फिर है बेटे सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम ये बेटे पहला स्टेप है। फिर बोरोअर फंड लिखिए उसके नीचे, जैसे आपने अभी ओनर फंड लिखे थे, ओनर फंड मैंने लिख दिए एग्जिस्टिंग इक्विटी से कैपिटल दिस दिस, इसके नीचे भी तो है ना बेटे बोरोअर फंड, मैंने बताया था दो सोर्सेज होते हैं बोरोअर फंड में दो है बेटे एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स एंड न्यू डिबेंचर्स, और टोटल है नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, ओनर फंड प्लस बोरोअर फंड इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। कंसेप्ट साथ लिख लिया बेटा, देख लो आराम से, कंसेप्ट साथ लिख लिया हो तो कंसेप्ट आठ लिखना बेटे, फॉर्मेट फॉर कैलकुलेटिंग एमपीएस एंड ईपीएस। वो बेटे लड़के लड़की की कहानी मैंने समझाई थी, फिर भी आप लिख चुके हैं, फिर भी मैं चाहता हूं कंसेप्ट नंबर आठ के फॉर्मेट में लिख लें। टोटल तो 42-43 कंसेप्ट है बेटे, आपके पास हर चीज होगी ना तो पेपर वाले दिन दिक्कत नहीं आएगी। ईबीआईटी दोनों प्रपोजल्स में लेस इंटरेस्ट, बैलेंस जो बच गया ईबीटी, लेस टैक्स, बैलेंस जो बच गया ईएटी, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, और जो बैलेंस बच गया उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स। ईबीआईटी लिख लिया, लेस इंटरेस्ट, ईबीटी, लेस टैक्स, ईएटी, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, वैसे चीज और आनी चाहिए, लेस ट्रांसफर टू रिजर्व्स, सब कुछ लेस करने के बाद जो बचा वही लड़का और लड़की का बेटे प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स। ठीक है जी, कंसेप्ट उसके बाद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लिखेंगे बेटे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है जब ऊपर वाली प्रॉफिट्स को भाग करेंगे तो ईपीएस आ जाएगा। फिर प्राइस अर्निंग रेशियो लिखेंगे, और फिर एमपीएस आ जाएगा, ईपीएस इनटू है बेटे, प्लस नहीं है, ईपीएस इनटू प्राइस अर्निंग रेशियो। एमपीएस इज इक्वल टू ईपीएस इनटू प्राइस अर्निंग रेशियो। बस बेटे खत्म है, पहला क्वेश्चन करेंगे ईमानदारी से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एमपीएस इज इक्वल टू ईपीएस इनटू प्राइस अर्निंग रेशियो। बस बेटे ये एक कंसेप्ट आठ लिख लिया, तो एक छोटा सा कंसेप्ट नाइन्थ लिखना है, भले नाइन्थ अभी यूजफुल नहीं है लेकिन नाइन्थ में लिखवा दूंगा, फिर मैं क्वेश्चन फर्स्ट कराऊंगा बेटे, और आपको सबको नाइन्थ लिखना है। एमपीएस इज इक्वल टू ईपीएस इनटू प्राइस अर्निंग रेशियो। ठीक है जी, चलिए कंसेप्ट नंबर नाइन्थ, पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड, कुछ बातें दिमाग में रखनी है, भले इनमें सारी बातें पहले क्वेश्चन में यूज नहीं होंगी, अलग अलग जगह लिखवाने से अच्छा मैंने कहा एक ही जगह लिखवा दूं तो आपको फायदा होगा ना बेटे, इसलिए एक ही जगह लिख रहे हैं। पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड, पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल फ्रेमिंग, व्हाइल फ्रेमिंग ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स, ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स। चलिए बेटे आराम से लिखे, लिख ले बेटे लिख ले, ए पॉइंट लिख ले, मेरा बस फर्स्ट पॉइंट भी ये कहना चाह रहा हूं कि इक्विटी शेयर्स की अगर आपको फेस वैल्यू ना पता हो तो आप इक्विटी शेयर्स की फेस वैल्यू ₹10 मानेंगे, प्रेफरेंस शेयर की और डिबेंचर की ₹100 मानेंगे, बस ये लिखा है ए पॉइंट में। अब आप बी पॉइंट लिखे, इन केस इशू प्राइस इज मिसिंग, अगर आपको इशू प्राइस नहीं दिया गया कि कितने में आप इशू करेंगे, देन अज्यूम एमपीएस एज द इशू प्राइस।
तो मान लेगी मार्केट प्राइस पर शेयर इश्यू प्राइस है एंड इन केस एमपीएस इज आल्सो मिसिंग देन अज्यूम फेस वैल्यू एज इश्यू प्राइस। आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं है, मैंने एक ही क्वेश्चन कराना है, 5 मिनट की बात रह गई है, बिल्कुल घबराना नहीं है, पूरी क्लास अटेंड करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर मेरे साथ आपने अभी कर लिया तो 99.99% केसेस हैं कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा, और अगर अभी आपने होल्ड करके बाद आपने सोचा बाद में कर लो तो नहीं बेटे, लोहा अब गर्म हो चुका है, लोहा जब गर्म होता तो बेटे चोट तभी मारते हैं, क्योंकि बेटे तभी तो वो डायरेक्शन चेंज करता है बेटे। अभी आप घर में देख रहे हैं, प्लीज आप ये पॉइंट्स लिखें और फर्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ करें। बेटे सी तो पहले भी लिख चुके हैं, फिर भी लिखिए, कंसेप्ट नंबर 9 में पॉइंट्स में लिख दीजिए सी पॉइंट क्या है, प्राइस अर्निंग रेशियो इज द रिलेशनशिप, लिख दीजिए बेटा सी पॉइंट। डिबेंचर्स को बेटे हम फ्लैट रेट में भी इशू कर सकते हैं और स्लैब रेट में भी इशू कर सकते हैं। डिबेंचर्स कैन बी इश्यूड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैट रेट एज वेल एज स्लैब रेट। डी पॉइंट लिख लीजिए, ई पॉइंट पे आ जाइए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एक ही बात है जी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक ही बात है, और फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ई पॉइंट बेटे लिख लिया, ई ए लिख लिया, बी लिख लिया, सी लिखो, डी लिखो, ई लिखो, ई। ये बहुत प्यारी सी बात आप लिखने जा रहे हैं जो ऊपर है, इन केस क्वेश्चन इज साइलेंट। बेटे कोई नहीं बताएगा, किसने पीपीटी नहीं बनाई, सारे यूट्यूब के चैनल आप देख लो, हाईएस्ट डिमांड है बेटे इस यूट्यूब के चैनल्स की, हमारे वाले की, और दबा के सब्सक्राइबर सब्सक्राइब कर रहे हैं आप, प्लीज देखिए, अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, फायदा आप ही का होने वाला है। एफ पॉइंट भले आपको समझ नहीं भी आ रहा लिख लें, एफ पॉइंट भले आपको समझ नहीं भी आ रहा तब भी लिख लें। और जी पॉइंट तो आपको समझ आएगा ही, टैक्स रेट ना दिया जाए तो 30% से लेके 50% तक आप अज्यूम करेंगे, 30% to 50% वी विल अज्यूम टैक्स रेट, ठीक है जी। एफ लिख लिया, जी लिख लिया, एच, अब एच पॉइंट बड़ा ही कीमती और बड़ा ही प्रीशियस है, मानिए कि पूरा चैप्टर एच पॉइंट में समाया हुआ है। इसमें से पहली दो बातें आपको समझ आ रही है, एमपीएस और ईपीएस, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप एक बार लिख लें प्रेफरेंसेस हम कैसे देते हैं। एक बच्चा कहता है जी मेरे हाथ दर्द हो गए, मुझे पता है बेटे, लेकिन बेटे ये अभी का जो खून बहाया है ना बेटे, ये जो पसीना अभी बहा रहे हो ना बेटे, जून दिसंबर के पेपरों के दिनों में खून नहीं बहाना पड़ेगा, ये बात समझ लो आप, अभी थोड़ी सी मेहनत कर लो। लास्ट है बेटे 7 पॉइंट है, ईवीए, ईयूए नहीं है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है बेटे, ईवीए। चलिए जी, अगर लिख लिया हो
तो मेरी आप सबसे जिन बच्चों ने लिख लिया वो फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाए बुक के पेज नंबर 242 में, बुक के पेज नंबर 242 में, पेज नंबर 242 फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ना शुरू कर दें। वैसे हम पढ़ चुके हैं फिर भी एक बार पढ़ लें, और जो नीचे नोट्स दिए एक बार उसको भी नजर मार लें, फिर हम आगे चलते हैं। बेटे फर्स्ट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। बेटे मैं पहले इसमें एक वर्किंग नोट वन प्रिपेयर करूंगा आपको समझाने के लिए। बेटे एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है बेटे? इसमें एक तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल है 20 लाख रुपए की, मतलब 20,000 शेयर्स हैं 10 रुपए के, रिजर्व्स एंड सरप्लस है मेरे बेटे दूसरा 10 लाख रुपए, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है बेटे 12 लाख रुपीस, 7% डिबेंचर्स हैं 8 लाख रुपीस। बेटे ये टोटल है, ये जो टोटल है ना बेटे ये 50 लाख रुपए का है, आराम से कोई टेंशन तो है ही नहीं बेटे। इसको कहते हैं एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉय, एक्सिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। काम चल रहा था हमारे पास 50 लाख थे, अचानक हमें लगा कि हम एक्सपेंड करते हैं, और बेटे एक्सपेंशन के लिए हमें कितने पैसों की जरूरत है? 25 लाख रुपए की। तो बेटे 50 लाख तो मेरे पास ऑलरेडी से पूंजी लगी हुई है ना बेटे, प्लस मुझे एडिशनल कितने पैसे चाहिए बेटे? अब 25 लाख रुपए क्यों चाहिए? एक्सपेंशन करना बेटे इसलिए चाहिए, एक्सपेंशन के लिए चाहिए। अब ये पैसे आएंगे कहां से मेरे बेटे, ये देखना है ना, ये पैसे कहां से आएंगे एक्सपेंशन के? पहला वो कह रहा है जी इक्विटी शेयर्स इशू कर दो, न्यू इक्विटी शेयर्स। देख लो मैं तो कुछ नहीं कह रहा, नीचे लिखा हुआ है, और बेटे वो कह रहा है 20,000 इक्विटी शेयर इशू कर दो, और वो कह रहा है 125 की इशू कर दो। अब एक बच्चा सोच रहा है 125 पता नहीं कहां से आ गया। बेटे 100 रुपए का तो फेस वैल्यू है, 25 रुपए का प्रीमियम है, 125 रुपए के हो गए बेटा 25 लाख रुपए तो आएंगे ना, 25 लाख ही चाहिए मेरे बेटे। और नोट वन देखिए, नोट टू में मैंने इसकी एंट्री भी लिखी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, मैंने एंट्री भी लिख दी है। दूसरा रास्ता क्या है बेटे? 10% न्यू प्रेफरेंस शेयर्स कह रहा है। अब अगर कुछ ना लिखा हो तो मैं मानूंगा कि 100 रुपए में इशू कर रहे हैं, क्योंकि पार वैल्यू पे इशू कर रहे हैं बेटा 25 लाख रुपए। अब आप नोट नंबर 2 के बाद नोट नंबर 3 देख लें, मैंने इसकी भी जनरल एंट्री लिख दी है, ये देख लीजिए। और नोट नंबर 3 के बाद अगर आप नोट नंबर 4 देखें तो कह रहा है जी डिबेंचर इशू कर दो 8% के न्यू 25 लाख। ये लो बेटे ये भी कर दिया। तो आपको 25 लाख रुपए चाहिए और आप इस तरह से ये पैसों को रेज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको देखना है कि बेस्ट रास्ता कौन सा है, वो यही पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं, जैसा अभी अभी आपने कॉन्सेप्ट्स में लिखा। तो मैं स्टेप नंबर 1 लिखने जा रहा हूं, हेडिंग लिखिए स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल एम्प्लॉयड, स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ अल्टरनेटिव प्रपोजल्स।
आराम से बेटे हेडिंग लिख दीजिए, स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ अल्टरनेटिव प्रपोजल्स। बेटे तीन प्रपोजल्स हैं इसलिए मैं तीन खाने बना रहा हूं मेरे बेटे, आराम से देख लीजिए। कैपिटल एम्प्लॉयड, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल बेटे पहले लिखेंगे। क्वेश्चन अपने सामने रख लीजिए, 20,000 इक्विटी शेयर्स, 10 रुपए के 100 रुपए के हिसाब से 20 लाख रुपए बेटे एग्जिस्टिंग तो तीनों प्रपोजल्स में आएगा ना, इसलिए तीनों प्रपोजल्स में आप 20 लाख और 20 लाख लिख दीजिए। तो थोड़ी जगह छोड़ दीजिएगा, मैं बताऊंगा जगह क्यों छोड़ रहे हैं, अभी नहीं बता रहा लेकिन मैं बताऊंगा। 9% प्रेफरेंशियल कैपिटल जो बेटे एग्जिस्टिंग है, 12 लाख और 12 लाख प्रेफरेंशियल कैपिटल बेटे, 12 लाख 12 लाख और 12 लाख। एक दो लाइन और छोड़ दीजिएगा, एक लाइन छोड़ दीजिए। रिटेन्ड अर्निंग्स बेटे 10 लाख 10 लाख, वो बेटे 10 लाख आराम से, कोई जल्दी तो है ही नहीं ना यार, किस बात की जल्दी है मेरे बेटे। भाई और बहनों आराम से लिख लीजिए, बस एक एक लाइन छोड़ते जाइए, वो अभी पता चल जाएगा हम एक एक लाइन क्यों छोड़ रहे हैं। ठीक है, आराम से। अब बेटे मुझे डिबेंचर्स भी लिखने हैं, तो मैं अलग शीट में जा रहा हूं, आप तो नीचे लिख सकते हैं, आपके पास तो जगह होगी ना बेटे नीचे। 7% डिबेंचर्स, 7% डिबेंचर्स में बेटे मैं यहां पर आपके सामने तीन खाने बना रहा हूं, 8 लाख एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स है बेटे 7% के, मैंने अभी एग्जिस्टिंग लिखा और तीनों में लिखा। अब मैं एक एक प्रपोजल उठाऊंगा और उसको लिखूंगा, लेकिन वो एक ही प्रपोजल में लिखूंगा। जैसे पहला प्रपोजल है इशू ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर्स, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000, 100 रुपए के हिसाब से बेटे, यहां तो 20 लाख लिखूंगा, और यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखूंगा 5 लाख रुपए। ये देख लो, 20 लाख रुपए यहां लिख दिए, 5 लाख रुपए यहां लिख दिए, यहां कुछ नहीं लिखा, यहां पे कुछ नहीं लिखा, यहां कुछ नहीं लिखा, यहां कुछ नहीं लिखा। आराम से मेरे बेटे, पहला प्रपोजल है कि आप नए इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 25 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 लाख। ये बात तो सबको पता ही है। अब दूसरा प्रपोजल है बेटे 10% प्रेफरेंशियल्स, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बैंक अकाउंट डेबिट एंट्री तो पता ही नहीं आपको, तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डैश 25 लाख, 25 लाख डैश, आराम से कोई टेंशन ही नहीं है। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डैश 25 लाख डैश 25 लाख डैश। अब बेटा तीसरा प्रपोजल है 8% डिबेंचर्स, तो बेटे मैं 8% डिबेंचर्स लिख रहा हूं, पहले में डैश है मेरे बेटे, फिर डैश है, और बेटे फिर 25 लाख है, आराम से लिखना है, कोई जल्दी तो है ही नहीं। ये लिख रहे बेटे 75 लाख और बेटे 75 लाख। ये आ गया जी आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं रुक गया हूं।
पहला स्टेप मैंने कंप्लीट कर दिया है, बस 2 मिनट की बात रह गई है, मुझे इन तीनों प्रपोजल्स में प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनानी है, ईपीएस निकालनी है, एमपीएस निकालनी है, और जिस ऑप्शन में सबसे ज्यादा एमपीएस आएगी वही मेरे गले लग जाएगी। मूवी देखी थी आपने, आ गले लग जा, ठीक है जी, आराम से मेरे बेटे, पहला स्टेप आराम से देख ले, कोई जल्दी तो है ही नहीं। स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ अल्टरनेटिव प्रपोजल्स, प्रपोजल वन, प्रपोजल टू, प्रपोजल थ्री, एग्जिस्टिंग न्यू, एग्जिस्टिंग न्यू, कहेंगे तो चलेंगे बेटे, अगर नहीं तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। मैं यहां पे लिख रहा हूं स्टेप नंबर टू, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ अल्टरनेटिव प्रपोजल्स, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ अल्टरनेटिव प्रपोजल। बेटे तीन है ना प्रपोजल्स, तीन है ना बेटे, तीन है ना बेटे, मेहनत कर रहा हूं बेटे आपके साथ, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आपका मैं फायदा पहुंचाऊं बेटे, तीन है ना बेटे, तो लिखे प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ अल्टरनेटिव प्रपोजल्स। और बेटे वही लड़के और लड़की की कहानी है मेरे बच्चे, कैसे बनाते हैं फॉर्मेट तो पता ही है, हम सबसे पहले लिखेंगे ईबीआईटी, ईबीआईटी, फिर लेस करेंगे बेटे इंटरेस्ट, फिर बैलेंसिंग फिगर आएगी ईबीटी, फिर लेस करेंगे टैक्स, फिर फिगर आएगी अर्निंग आफ्टर टैक्स, फिर मेरे बेटे प्रेफरेंस डिविडेंड को लेस करेंगे, ये सब मैं समझा चुका हूं, मुझे मत दोबारा पूछिएगा, मैं सब बता चुका हूं आपको। यहां पर लिखेंगे प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, फिर बेटे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और यहां पर लिखेंगे ईपीएस, बस मैं यहां तक रुक गया हूं, आराम से आप यहां तक देख लें, मैंने लिखा ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट इज इक्वल टू ईबीटी, ठीक है जी, आराम से बेटे। अब मुझे इसमें पहला ईबीआईटी लिखना है, और ईबीआईटी के लिए मुझे उन्होंने कुछ बात दी हुई है, मैं इसलिए लिख रहा हूं वर्किंग नोट नंबर टू, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इन 200। मैं फिर रिपीट करता हूं, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इन 200, ये कितने परसेंट है बेटे, 12% है। इसका मतलब अगर 100 रुपए की कैपिटल होगी तो ईबीआईटी 12 रुपए की होगी। कैसे आया बेटे, कैसे आया मेरे बेटे, ईबीआईटी इज इक्वल टू 12% इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड, ये लो, ईबीआईटी इज इक्वल टू 12% इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बेटे इसी तरह से आप देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 75 लाख, 75 लाख का 12% निकाले तो ये आ रहा है 9 लाख, चेक कर लीजिए 9 लाख रुपीज, मैं यहां पर लिखूंगा 9 लाख। अब बेटे एक एक कॉलम करना है, सारे इकट्ठे नहीं करने, इंटरेस्ट देखने के लिए आपको पहले स्टेप नंबर वन में दोबारा से जाना पड़ेगा, मैं दोबारा से चला गया इंटरेस्ट देखने के लिए। आप देखिए 7% डिबेंचर्स ही हैं बस 8 लाख के, 8% तो है ही नहीं पहले प्रपोजल में, 7% डिबेंचर्स ही है 8 लाख रुपए के, 8% तो है ही नहीं,
तो बेटे 7% 8 लाख का कितना आएगा? 56,000, 8,44,000। बेटे टैक्स का रेट ना 50% दिया हुआ है, और ना 50 ना बहुत इजी होता है बेटे, बड़े जल्दी जल्दी हो जाता है मेरे बच्चे। 4,22,000 ये आ गया मेरे बेटे, और ये फिगर बच गई 4,22,000। 4,22 तक हम पहुंच गए। अर्निंग आफ्टर टैक्स 4,22,000, अर्निंग आफ्टर टैक्स 4,22,000। अब आप देखिएगा कि प्रेफरेंस डिविडेंड अगर मुझे लेस करना तो मैं दोबारा स्टेप नंबर वन में गया, 9% मुझे 12 लाख के ऊपर ही देना बेटे, 10% के तो है ही नहीं। तो बेटे 9% 12 लाख का कितना आएगा? 1,08,000। ये लो 1,08,000 रुपए, ये भी लेस कर दीजिए आराम से बेटे, ये ब्रैकेट डाल दिए। 4,22,000 में से 1,08,000 लेस कर दिया तो बैलेंस क्या बचा बेटे? 3,14,000। अब देख लीजिएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं पहले प्रपोजल में बेटे? 40,000 है, ये देखो 20,000 ये वाले और 20,000 ये वाले। बेटे पहले ऑप्शन में तो हमने इक्विटी शेयर इशू किया ना, तो एग्जिस्टिंग भी और न्यू भी दोनों मिला दें तो 20-20-40,000 आते हैं बेटा। तो मैं यहां पर 40,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लिख रहा हूं और मैं रुक जाऊंगा, उसके बाद खाली ईपीएस निकालूंगा रुक जाऊंगा। बेटे ये आ रहा है 7.85 रुपए, मैं रुक गया। मेरा मन है कि आप प्रपोजल 2 और प्रपोजल 3 की भी कैलकुलेशंस ऐसे ही जल्दी से कर दें, फिर हम एक साथ टैली करेंगे। चलिए स्टार्ट कीजिए प्रपोजल 2 और प्रपोजल 3 की कैलकुलेशंस इसी तरह से। और बेटे एक बात का ध्यान रखना, पहले प्रपोजल 2 करना, 3 को मिक्स मत करना, और 2 को करते समय आप पुराने स्टेप 1 जाना और उसमें इंटरेस्ट देखना। जैसे इसमें भी 56,000 का इंटरेस्ट है बेटे। ₹56,000 का इंटरेस्ट है जी, 8,44,000 रुपए ईबीटी है, 4,22,000 रुपए का टैक्स है, 4,22,000 रुपए का अर्निंग आफ्टर टैक्स है। आराम से, कोई जल्दी नहीं है। अब प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए आपको दोबारा से वहीं जाना पड़ेगा स्टेप नंबर 1 में। अब देखिए जी, यहां पर दो तरह के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, एक तो 9% है 12 लाख के, तो मैंने लिखा जी 12 लाख इनटू 9%, ये मेमोरी प्लस में डाल दिया। अब मैं लिख रहा हूं 25 लाख इनटू 10%, मेमोरी प्लस में डाल दिया बेटे, टोटल कर दिया, ये देख लीजिए 3,58,000 आ रहा है आराम से बेटे। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 3,58,000 मैंने लेस कर दिया, तो 4,22 माइनस 3,58, बैलेंसिंग फिगर आ गई जी 64। देख लीजिए जी 4,22,000 में से 3,58,000 लेस कर दिया तो 64,000 आ रहा है जी, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 20 आ रहा है, तो ये आ गया जी 3,20 रुपए। ₹3.20 आपके सामने ईपीएस आ गया, अर्निंग पर शेयर 3 रुपीज 20 पैसा।
अब आप आ जाइए प्रपोजल थ्री को करने के लिए, उसमें से इंटरेस्ट चेक करना है दोबारा से कि इंटरेस्ट कितना आ गया। देखिए बेटे 7% 8 लाख का और 8% 25 लाख का। बेटे दो तरह के इंटरेस्ट हैं, 8 लाख का 7% मेमोरी प्लस में डाल दिया है, 25 लाख का 8% मेमोरी प्लस में डाल दिया, टोटल कर लिया जी 256,000। चेक कर लीजिए, प्लीज कैलकुलेटर यूज करें क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप कैलकुलेटर की मदद से कर पाएंगे। तो मैंने लिख भी दिया जी 256,000 माइनस 256,000 ये आ गया जी 6,44,000, 3,22,000, 3,22,000 आराम से। प्रेफरेंस डिविडेंड आप देखिए, प्रेफरेंस डिविडेंड बेटे 1,08,000 ही है, यहां पर एक ही तरह के प्रेफरेंस शेयर्स है ना, तो 12,00,000 का 9% 1,08,000 खत्म, क्वेश्चन भी खत्म होने वाला है। मुझे लगता है काफी सारे बच्चे कर भी चुके हैं, बहुत अच्छी बात है बेटे ये साथ साथ कर रहे हैं। तो 3,22,000 माइनस 1,08,000 इज इक्वल टू 2,14,000 और बेटे 20,000 शेयर्स हैं थर्ड प्रपोजल में, तो इक्विटी शेयर्स 20,000 ही है ना बेटे, ये आए बेटे 10 रुपए 70 पैसे आराम से। बेटे रुक गया हूं मैं तो, मैंने तो बहुत आराम आराम से किया है फिर भी रुक गया हूं बेटे, क्योंकि अब तो 1 मिनट के बाद काम ही खत्म होने वाला है बेटे, आज की क्लास खत्म हो जाएगी। मुझे आपको धन्यवाद देने कि आपने मेरी बातों को सुना और इस चीज को आगे लाइफ में आप लेके जाएंगे। मुझे बस एक छोटी सी चीज बतानी है और मैं चाहता हूँ नई शीट खोलना और नई शीट के थ्रू बताना आप सभी ने। ईपीएस तो कैलकुलेट कर ही लिया है बेटे, पहले प्रपोजल का भी, दूसरे का भी और तीसरे का भी। आप देखिए जी, पहले प्रपोजल का जहां तक मुझे लगता है आपने ईपीएस निकाला है पहले प्रपोजल का 7.85 रुपए 3.20 रुपए 7.85, 3.2 and 10.7 और यहां लिख दिया जी मैंने प्राइस अर्निंग रेशो। आपको प्राइस अर्निंग रेशो क्वेश्चन में गिवन भी है 21.4, 17 and 15.7 बस बेटे एमपीएस निकालना है, ईपीएस इनटू प्राइस अर्निंग रेशो बेटे दोनों को गुणा ही तो करना है, 21.4 × 7.85, 17 × 3.2, 15.7 × 10.7 आराम से बेटे। ये आया बेटे 167.99 रुपीज आ गया बेटे, वही आ गया बेटे 54 रुपए 40 पैसे ये बेटे, ये भी वही आ गया 167.99 रुपीज आराम से बेटे। अब आप चेक करिए कि पहले प्रपोजल में और तीसरे प्रपोजल में एमपीएस में सेम समानता आ गई है, सेम है बेटे एमपीएस सेम है बेटे, पहले में भी और थर्ड में भी। आप देख लीजिए फर्स्ट प्रपोजल में और थर्ड प्रपोजल में एमपीएस सेम है। अच्छा, अगर एमपीएस से आप डिसाइड ना कर पाए तो फिर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ईपीएस से डिसाइड करेंगे। मैंने आपको बताया था दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, फर्स्ट इज टू मैक्सिमाइज एमपीएस एंड सेकेंड इज टू मैक्सिमाइज ईपीएस। अब आप बताइए अगर एमपीएस, जैसे मैं आपके सामने दोनों प्रपोजल्स एक बार दोबारा से लिख दूं, प्रपोजल 1, 2, 3 एमपीएस बेटे इसका भी ज्यादा, इसका भी ज्यादा, तो ईपीएस देख लेंगे बेटे इसका नहीं ज्यादा, इसका नहीं ज्यादा, इसका नहीं ज्यादा, इसका ये भी अच्छा, इसका वो भी अच्छा प्रपोजल थ्री का। तो स्टेप नंबर 3 लिखेंगे जी रिकमेंडेशन, खत्म है बेटे क्वेश्चन। एक बच्चा कह रहा है चलो चैन की सांस मिली, खत्म हुआ। हाँ बेटे खत्म हो गया। द मैनेजमेंट मे बी एडवाइज्ड,
the management may be advised to raise rupees 25 lakhs funds for expansion by issuing 8% debentures. By issuing 8% debentures in order to maximize MPS and EPS. In order to maximize MPS and EPS. ठीक है जी, आराम से लिख लें, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। आज हमने बात की है पैसा पैसा पैसा। मैं आपको एक गाना दिखाने जा रहा हूं कैटरीना कैफ और अक्षय का, जिसमें वो पैसे की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट है। और पैसा आपको पता चल चुका है कि अगर हमें निकालना है, रेज करना है, तो दो ही सोर्सेज है, एक ओनर्स फंड और दूसरा बोरोवर्स फंड, ओनर्स फंड एंड दूसरा बोरोवर्स फंड। तो आप सभी होमवर्क लिख लें जी, पहले दो सभी स्टूडेंट्स होमवर्क लिख लें, क्योंकि कहते हैं जी होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज जो भी कुछ कराया है, यकीन मानिए अगर आपने इसको रिवाइज कर लिया नेक्स्ट क्लास से आने से पहले या देखने से पहले, तो आपका ये बिल्कुल अंदर फेविकोल का बॉन्ड जैसा हो जाएगा। और होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 एक बार दोबारा करना है, सेकंड करना है और थर्ड क्वेश्चन करना। मैं ज्यादा दे भी नहीं रहा जी, सेकंड और थर्ड ही दे रहा हूं नए क्वेश्चंस, फर्स्ट को तो रिपीट ही करना है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी को एक मूवी का गाना दिखाने जा रहा हूं। आप वो गाना देखिए। वैसे क्लास यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि आज हम बात पैसे की कर रहे थे, इसलिए मैं वो गाना दिखा रहा हूँ पैसे का। तो मैं 3 बार आपके सामने बोल रहा हूँ, बी हैप्पी बी जॉली बी चेयरफुल, बी हैप्पी बी जॉली बी चेयरफुल, बी हैप्पी बी जॉली बी चेयरफुल। ठीक है जी, आइए गाना देखते हैं 1 मिनट के लिए। क्या चीज है पैसा क्या बात है क्या चीज है पैसा क्या बात है क्या चीज है पैसा।